हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स. दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन. मेरे साथ बैठे हैं क्रिश. तो सॉरी गाइस, आज थोड़ा लेट हो गए. आज मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया था, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था. शायद जो है बीच में भी मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़े, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. और मैं अवेलेबल नहीं थी, तो क्रिश के टाइम पे ही हमने सोचा हम लाइव स्टार्ट करेंगे. वैसे मैंने लाइव में इन्फॉर्म कर दिया था कि आज हम 10:15 के बाद ही आएंगे. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर कमिंग लाइव लेट. एंड देखिए, बहुत ही जबरदस्त मैच चल रहा है. 287 SRH ने बोर्ड पे लगा दिया है. मेनी थैंक्स टू क्लासेड एंड ट्रेविस हेड, स्पेशली ट्रेविस हेड जिसने 39 बॉल्स में 100 अपनी मार दी. इस टाइम की फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी बन चुकी है. बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज टूट गए हैं. चिन्नास्वामी में बहुत छोटा ग्राउंड है, आउटफील्ड बहुत फास्ट है. बॉल वॉज रियली ट्रेवलिंग अक्रॉस द फील्ड, लेकिन काफी फील्ड के थ्रू तो जा ही नहीं रही थी. छक्के पे छक्के जा रहे थे, छक्के पे छक्के जा रहे थे. एंड यू नो, जब SRH बैटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था हाईलाइट शो चल रहा है. ऐसे लग ही नहीं रहा था दैट प्रॉपर मैच चल रहा है. आरसीबी ने बैटिंग अच्छी शुरू की. पावर प्ले उनका बहुत अच्छा गया, अभी तक का इस सीजन का हाईएस्ट पावर प्ले गया. विराट कोहली एंड फैफ डुप्लेसी ने बड़ी ट्राई की, लेकिन जो है इट वाज नॉट इनफ. अभी भी है जो लगे हुए हैं, लोमरोर एंड दिनेश कार्तिक लगे हुए हैं, लेकिन इट्स 18 का रन रेट अभी है, रिक्वायर्ड रन रेट है. तो मुझे लगता है बहुत बहुत आउट ऑफ स्कोप है. मार्जिन ऑफ डिफीट जितना कम कर सकते हैं उतना करिए, थोड़ी सी इज्जत बचाइए, एंड आई थिंक दैट विल बी फाइन. सो वेलकम टू द वीडियो क्रिश, आप व्यूअर्स को वेलकम करिए. जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, जय माता दी. अभी देखो, इस ओवर में 3 छक्के 1 चौका, 22 रन, 1 सिंगल, 1 वाइड आ चुके हैं ऑलरेडी 5 बॉलों पे. रिक्वायर्ड रन रेट 18.5 की थी, तो उससे ऊपर आ गई है. तो मतलब अभी फाइट बाकी है. और दिनेश कार्तिक अपना दबदबा ठोकते हुए कि मैं भी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की लाइन में हूँ, भाई देख लो मुझे. वैसे ये हालांकि आप सभी ने देख लिया होगा, रोहित शर्मा भी बोल रहे थे हाँ ये वर्ल्ड कप चल रहा है इसके दिमाग में, वर्ल्ड कप के चक्कर में ऐसा मार रहा है. मुंबई की तो धुलाई की थी, यहाँ पे भी कर रहा है. 287 भाई, आज तो 300 की उम्मीद थी मुझे. जिस तरीके से ठुक रहा था ना 15 ओवर में 205, मुझे लग रहा था 5 ओवर में 95 ठुकवा ही लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम बैक किया, हल्का सा कम बैक कह सकते, ज्यादा तो कुछ नहीं. अभिषेक शर्मा 22 बॉल 34 रन, हल्का दिख रहा है ना. स्ट्राइक रेट 154, हल्का ही दिखेगा भाई, क्योंकि स्कोर जो है ना 142 बॉलों पे जो ट्रेविस हेड ने मारे 9 चौके 8 छक्के, 248 की स्ट्राइक रेट. यार देखो, टुक्के की तो समझ में आती है 5-10 बॉल तक तो, लेकिन उससे ऊपर की बॉल खेल करके, मतलब 41 बॉल खेल करके आप 250 की स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लो, बहुत बड़ी बात है. सलूट है भाई इस बंदे को, ये बंदा मारता ही है इंडिया को. तो वैसे ही देखो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी धुलाई की, वर्ल्ड कप में भी धुलाई की, अब भी बंदा मार ही रहा है. लेकिन क्लास इन जो ऊपर ऑर्डर किया ना, बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल सही किया, और सही बिल्कुल सही समय था. और उस बंदे ने मारे 31 पे 67, 2 चौके 7 छक्के. छक्कों में बात कर रहा था, चौके सिंगल डबल में तो बात ही नहीं करना चाहता था भाई. 216 की स्ट्राइक रेट. अब मार्क्रम जो था बैटिंग गंगम के साथ, वो भी साफ कर गया, 17 पे 32, 2 चौके 2 छक्के. लेकिन जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इंडियन प्लेयर की आई है, वो है कहां, अब्दुल समद, कश्मीरी लौंडा, उमरान मलिक को लाने वाला बंदा जो था वो ये है. गाइस मैं 10 बॉल 37 रन भाई, 10 बॉल 37 रन, 370 की स्ट्राइक रेट. मजाक नहीं हो रहा था भाई, ये 3 छक्के 4 चौके एंड में आकर के ऐसी इनिंग खेल देगा तो ही जा करके जो 277 वाला रिकॉर्ड है ना वो टूटा है. अगर ये बंदा ऐसी इनिंग नहीं खेलता तो उस समय पे तो ऐसा लग रहा था कि शायद बचा जाएगी आरसीबी, अपनी इज्जत बचा जाएगी, हाईएस्ट स्कोर नहीं बनवाएगी. पावर प्ले में देखो, उसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें सिराज विराज थे, नहीं, सिराज नहीं था, इंटरनेशनल बॉलर. इस आरसीबी ने बहुत कुछ किया, 3 इंटरनेशनल बॉलर, विल जैक्स 3 ओवर 32 रन, ठीक है, टोपले इंटरनेशनल बॉलर दोनों इंग्लैंड के हैं, 4 ओवर 68 रन 1 विकेट, भाई ये इंटरनेशनल बॉलर है, इंडियन नहीं है. फिर आ जाओ लोकी फर्गुसन, 4 ओवर 52 रन 2 विकेट. ये 3 इंटरनेशनल बॉलर होने के बावजूद, ये न्यूजीलैंड से, 2 इंग्लैंड से, उसके बावजूद 287 था स्कोर और मात्र 3 विकेट, 3 विकेट भाई, 287. ये ODI स्कोर बनता था, तुम T20 में ठुका के बैठे हो. मैं ये नहीं कह सकता आरसीबी की बॉलिंग घटिया थी, मतलब कहते हैं कि इनकी बॉलिंग नहीं है, बैटिंग पे फोकस करते, ये सच्चाई थी. आज तो इन्होंने बॉलर डाले थे भाई, मैक्सवेल हटा दिया था, कैमरन ग्रीन हटा दिया था, ऑस्ट्रेलियन नहीं चल रहे थे, इन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन को निकाल देते हैं, इंग्लैंड वालों का साथ लेते हैं.
इंग्लैंड वालों ने भी लगवा दी भाई। अब देखो यश दयाल 4 में 51, इसके बाद 4 में विजय कुमार ने दिए 64 रन और एक ओवर पता नहीं लोमरोड को क्यों दे दिया भाई क्लासन के सामने, मेरी तो समझ से बाहर था। वो यार मारता नहीं है, वो घपा घप मारता है, मतलब रुकता ही नहीं है भाई, वो धड़ाधड़ पेलता है। एक ओवर 18 रन दे गया है। पावर प्ले का था जो इनकी साइड से हैदराबाद का 76 था, हालांकि आरसीबी का 79 था, 3 रन ऊपर बनाए थे उन्होंने पावर प्ले में, वहां तक तो अच्छी फाइट दी थी क्योंकि ऊपर से कोहली खेल गया था भाई, एक कैच ड्रॉप हो गया था अभिषेक शर्मा ने पहले ओवर में कर दिया था, वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी 20 पे 42, 210 की स्ट्राइक रेट। आज तो कोहली को भी ब्लेम नहीं दे सकते हम कि स्लो खेला, जो कि पीआर एजेंसी बोलती है ना कि कोहली तेज स्लो खेला, फलाना टिकड़ा, ये चीजें चलती है, आज तो ये तेज खेला। डुप्लेसिस भी जो तेज खेला भाई, 28 पे 62 रन, 7 चौके 4 छक्के मारे फैब ने और 6 चौके 2 छक्के मारे विराट कोहली ने, ये स्कोर है ठीक है। 221 की स्ट्राइक रेट कम नहीं होती। पॉइंट ये है दिनेश कार्तिक लगा हुआ भाई, इस जंग में दिनेश कार्तिक लगा हुआ अकेला, ये बंदा कुछ करके मारेगा क्योंकि 2 चौके 2 सिंगल 10 और 1 छक्का आ चुका है इस ओवर में। चलो मैं बात करता हूं, विल जैक रन आउट करवा दिया है, चलो कोई बात नहीं, पटीदर से ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते भाई, एक इनिंग चल गया, छठे चमा से चलने वाला बंदा है वो, एक पिछली इनिंग चल गया था वही बहुत था, अब तो चलेगा नहीं, उससे पहले फ्लॉप था। सौरभ चौहान को बार बार मौके दिए गए, 0 पे आउट, पैट कमिंस ने आउट कर दिया। कार्तिक एक लोंडा लगा हुआ है, ये भाई रिटायरमेंट होने के बाद बुढ़ापे की उम्र में जवानी वाले शॉट मार रहा है, ये असली शिलाजीत खा रहा है मुझे लग रहा है, बाकी सबको नकली प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लोमरोड 10 पे 19, ये भी लगा हुआ है, 206 की स्ट्राइक रेट कार्तिक की है, 190 की स्ट्राइक रेट लोमरोड की है, बट इसके बाद कोई नहीं है, ये इस जंग को कहां तक लेके जाते हैं यही देखना होगा। जयदेव अनंतकंट की पिंडिया का आपरी है भाई, वाइड फेंकने लगा है, तो इस ओवर की भरपाई तो इसने कर ली है भाई, तो 17 रन आ चुके हैं, रिक्वायर्ड रन रेट ज्यादा किया नहीं। इस इनके बॉलर का भी देख लो लेखा जोखा बता दे तो, कमिंस 2 ओवर 20 रन 2 विकेट, भाई 20 करोड़ पूरे वसूल करा रहे कैप्टनसी से भी, बॉलिंग से भी, बैटिंग तो अभी आई नहीं इसकी, बैटिंग कर ही नहीं रहा, एक बॉल खेली इसने अभी तक जितने मैचेस हुए हैं। मार्कंडे 4 ओवर 46 रन 2 विकेट, बट विकेट निकाल दी इस बंदे ने आते के साथ, ये अच्छा था। बाकी बॉलर कोई खास किया नहीं है तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, धुलाई सबकी हो रही है, 10 से ऊपर की इकोनॉमी रेट है, और जयदेव अनंतकंट तो 18 की दे रहा है और उसको पता नहीं क्यों बॉलिंग दे रहा है, लास्ट पे भी चौका खा गया है, अभी हो जाएगी प्लस 37 भाई। ये है लेखा जोखा, जंग में है अभी आरसीबी, मैं ये नहीं कहूंगा, देखो जीत तो नहीं सकती, जीत का सपना तो तभी टूट गया था जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, अगर कोई जीत की उम्मीद लगा रहा है तो भाई अपने आप से धोखा दे रहा है, मैं तो यही कहूंगा, अपने आप को धोखा देने की जरूरत नहीं है, होस्ट बदल गया है इसलिए भाई, क्रिश होस्ट बना हुआ है होस्ट, और अपनी मनमानी तो करेगा भाई, आप लोगों के मैसेज लेट लेगा ही लेगा जो एज यूजुअल होता है, ऊपर से उसके मैसेज नहीं लूंगा जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 बॉल 107 रन, पार्टनरशिप हो गए 24 पे 59 रन, भाई जानदार खेल खेल रहे, नॉर्मल खेल से ज्यादा खेल रहे हैं, 14 ओवर में 181 पे 5 विकेट है, विकेट का माजरा जरूर है, बाकी कोई मामला गड़बड़ नहीं है इनका, क्योंकि इसके बाद नीचे कोई खेलने वाला नहीं है। यार मेरी समझ में नहीं आता इस आरसीबी को हो क्या गया है, बैटिंग तो है ही स्ट्रॉन्ग, बॉलिंग इनकी निठल्लो की थी ठीक है, आज तो सिराज को भी बिठा दिया, मैक्सवेल को भी बिठा दिया, इसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे लगती है, इसमें जो हाई लगी हुई है ना इस टीम पे, हाई विराट कोहली की वजह से नहीं लगी हुई है, हाई विजय माल्या की तरफ से लगी है, और ये हो गए हैं लोमरोड, पैट कमिंस 3rd विकेट, भाई 20 करोड़ काविया जी को पूरा वसूल करा रहे, बल्कि ये 20 करोड़ नहीं, ये 100 करोड़ का मामला देकर जाएगा इनको, जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस जा रही है ना, 100 करोड़ करवा के जाएगा, क्रॉस 100% 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कराएगा ये। मैं ये कह रहा था कि आरसीबी में विजय माल्या की जो हाई लगी हुई है ना विजय माल्या पे, वो आरसीबी में भारी है, ओनर तो वही था ना भाई, ओनर कोई और नहीं है, वही था, और उसने जो किया सबको पता है, खुद तो भाग गया है इंग्लैंड में, पैसे दे देता तो शायद किस टीम का कुछ उद्धार हो जाए। अब हालांकि वो नाम चाहे कोई भी चेंज कर दो, सबको पता है किसने टीम बनाई थी, किसने खरीदी थी, क्या हुआ था, क्या करके गया हुआ है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इस टीम में यही है कि वो कर्ज जो है उतरेगा नहीं, पुण्य करने पड़ेंगे,
अब पुण्य तो भाई मैं क्या ही बताऊं कितने पुण्य करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा पाप करके गया हुआ वो इंसान, विजय माल्या इतना बड़ा पाप करके गया हुआ है, उसके पुण्य पता नहीं कितने जाकर गंगा नहानी पड़ेगी, कितने पुण्य करने पड़ेंगे, कितने रोजगार लोगों को देने पड़ेंगे, कितना कर्जा पूरा उठा उतारने के बावजूद भी कितने साल पुण्य करने पड़ेंगे तब जाके टीम कुछ कर पाएगी। लेकिन बात यह है कि दिनेश कार्तिक अपना दबदबा ठोक रहा है, तो मैसेज में ले लेता हूं, जो मैसेज हाईलाइट किया हुआ है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सिराज विकी जी का मैसेज हाईलाइट है या गलती से हाईलाइट है मुझे नहीं पता भाई, मैं स्टार्टिंग से भी ले सकता हूँ मैसेज, क्योंकि शिवानी यहाँ से छोड़ करके गई है तो मैं तो इसलिए यहाँ से लेना चाह रहा हूँ, लेकिन चलो ठीक है स्टार्टिंग से लेते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। मैसेज हाईलाइट, वैसे जो मैसेज है उसको मैं पढ़ देता हूँ, सबने पढ़ ही लिया होगा। सिराज को बाहर कर दिया, अब इसको वर्ल्ड कप में ले जाना चाहिए। मैम भाई वर्ल्ड कप में देखो मैं तो अगेंस्ट हूँ शुरू से, इस आईपीएल के को देख के नहीं बोल रहा हूं मैं वैसे ही सिराज के अगेंस्ट हूँ। टी ट्वेंटी बॉलर नहीं है भाई ये, इतना ओडीआई टेस्ट तो बहुत अच्छा है, टी ट्वेंटी बॉलर नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं लेके जाना चाहिए, बाकी तो है सिलेक्टर के हाथ में। मैसेजेस मैं शुरू से लेता हूँ क्योंकि शिवानी अभी थोड़ा सा बिजी है। सागरिक जी का मैसेज ले लेता हूँ, आई एम गोइंग विद विराट कोहली टू बॉल इन पावर प्ले इंस्टेड ऑफ सिराज, ही कैन बॉल बेटर देन हिम, डेफिनेटली विराट कोहली बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है बाकी सब बॉलरों से, जैसे इन्होंने ठुकवा दिए 287 उसके हिसाब से। तो ये मैसेजेस एक्चुअली मैं ऊपर से शिवानी जी का मैसेज मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इस मैसेज को मैं छोड़ देता हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा, फिर मैसेज लेट डिले होंगे, फिर सब लोग गुस्सा करते हैं, मेरे पे गुस्सा करते हैं, मेरे ऊपर ब्लेम डाल देते हैं यार, सारी ब्लेम मेरे ऊपर ही आ जाती है। सागनी का नेक्स्ट मैसेज, हैदराबाद इज ऑल सेट टू मेक ए गुड लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी तो भाई खूब बनाई है ना, धो धो के बनाई है, लेकिन फिर भी लौकी फर्गुसन ने कुछ तो किया था, विकेट तो निकाली दी ना भाई, टॉप लेने तो वो भी नहीं किया, टोपा लेकर के चला गया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टोपा ही लेने आया था, ये भर भर के दिया है टोपले को। एनीवे विशाल जी का मैसेज ले लेता हूं, गुड इवनिंग शिवानी मैम एंड क्रिश भाई। ओके नेक्स्ट मैसेज है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ के साथ ले भी लेता हूँ, ठीक है। आई वांटेड लोकी फर्गुसन टुडे स्कोर, स्कोर में भी डाल दिया भाई उसने, दो विकेट भी निकाल दिया और ठुकवा भी लिए रन, लेकिन फिर भी बाकी के कंपैरिजन ये तो विकेट तो ली थी। और एक साउथर्न डर्बी आज होने वाला है, अच्छा भाई मुझे नहीं पता किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, एनीवे शिवानी जब आएगी तब बात करेंगे। विकी का मैसेज, लोकी फर्गुसन को कैब मिल गई आज आरसीबी की, शायद अच्छी बॉल करे, बॉल भाई बॉल तो क्या इसने लगवा दी है। एनीवे तो ये मैसेज मैं समझता हूँ जो शिवानी ने मैसेज हाईलाइट किया था उसके बाद चलते हैं, उसके बाद सभी का वेलकम है, वीडियो सब लाइक कर दो क्योंकि जितने मैसेज हैं डिले हो चुके हैं उनको मैं फटाफट हाईलाइट करूंगा, फटाफट आप पढ़ते रहना और उसके बाद चलते रहेंगे मैसेज धड़ाधड़। तो विक्की जी का मैसेज मैंने हाईलाइट कर दिया लोग ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज मैं ले लेता हूँ जो कि विक्की जी का ही है, एक ही का नाम चलता रहेगा भाई, ऐसे है ना पार्शलिटी हो जाती है, बारी बारी मैसेज करने दिया करो, वहां पे टाइम आउट हो गया है। सिराज को बाहर कर दिया, अब इसको वर्ल्ड कप, ये मैं ले चुका था, एसआरएच 230 प्लस लोडिंग, भाई उन्होंने 287 ऐसे ठोके हैं, मुझे नहीं लगता इस टूर्नामेंट में शायद ये रिकॉर्ड टूटे, वैसे आसार तो ऐसे 300 के भी, पिच भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि छोटा ग्राउंड है, लेकिन इतना भी ठुकाई करवाने वाली नहीं थी। विकी जी का मैसेज, आरसीबी की कोशिश बस टॉस पर ही है, बस भाई टॉस और क्या, टॉस और बॉस दोनों ही फेल है इनके, हेड 15-20 बॉल भाई, 20 बॉल पे तो इसने मारे 50, अगले 50 इसने 19 बॉल पे मार दिया, मतलब समझ सकते हो पावर प्ले के बाद जो पांच फील्डर बाहर हो जाते हैं उसके बाद ऐसी ठुकाई की है ना इस बंदे ने, वो तेजी से मार दिए 39 पे इसने ठोक दिए थे 100, एस वही इनकी कमर टूट गई थी विराट कोहली के चेहरे पे, आपने देखा होगा जैसा माहौल दिखा था। तो विकी जी का नेक्स्ट मैसेज, आरसीबी को होम ग्राउंड लखनऊ जैसा बनाए यार, जो पहले था लखनऊ वाला 140 प्लस पर फाइट हो जाती थी, या ये बेकार ग्राउंड है इतने रन बन रहे हैं। भाई देखो आरसीबी को जो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग सपोर्ट है ना, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे सबसे पॉपुलर टीम है, वो इसी बदौलत है, बिकॉज क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, लंबे लंबे छक्के लगते हैं और होम ग्राउंड पे इनका चलता है। इसके बाद के मैसेज मेरे हैं, मैं वो लूंगा नहीं,
ठीक है, तो नेक्स्ट मैसेज मैं सीधा विक्की जी का हाईलाइट करता हूँ। क्रिस भाई ये मार रहे हैं या घसीट के मार रहे हैं? भाई मार भी रहे हैं, घसीट के भी मार रहे हैं, थूक लगा के भी मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके मार रहे हैं। हालांकि थूक लगाना अलाउड नहीं है बॉल क्रिकेट में, बॉल पे आजकल, आप समझ रहे हो, बाकी वो मतलब भी जो समझ रहे हो। इनको यार मारा नहीं है, इनको खूब पेलाया गया है। मैं तो कह रहा हूँ विराट कोहली आज पता नहीं क्या सोचेगा, या तो ये सोचेगा कि इन कमीनों को लटका ही देता हूँ, क्योंकि इतने निठल्ले हैं यार। विराट कोहली एक लोता चल रहा है बॉलिंग या बैटिंग से, अब वो बॉलिंग भी करने लग जाएगा, फील्डिंग तो कर ही रहा है। एनीवे विक्की ये क्या हो रहा है, 10 ओवर में 128 पर एक, लास्ट 10 ओवर में कितने रन बनाएंगे? ये सब मैसेज हो गए हैं, तो भाई मैं समझता हूँ इन सबका टाटा बाय बाय कर देता हूँ, क्यों लेटेस्ट मैसेज पे आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब लेटेस्ट मैसेज ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सागनिक जी के मैसेज से मैं ले लेता हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैसेज लग रहा मुझे, ऐसा घुसाया है, ऐसा घुसाया है, बहुत दिन तक सूजा रहेगा आरसीबी का, सूजी के साथ सूजा रहेगा भाई। आरसीबी के चेहरे पे देखने लायक था, हालांकि फैब कैप्टन थे, थोड़ा सा बार बार में बूस्ट कर रहे थे, क्योंकि इनसाइड एज चौके भी बहुत जा रहे थे, वहां पे बूस्ट कर रहे थे, क्योंकि लंबे लंबे छक्के यार वो स्टेडियम के बाहर ही मार दिया क्लासेन ने यार, ऐसा तो ही ना मारते यार भाई, बाउंड्री नीचे होती है 60 मीटर 65 मीटर, तुम एमसीबीसी ग्राउंड के बाहर मार रहे हो यार, कॉन्फिडेंस की तो माँ की आंख कर दी तुमने आरसीबी की, अब आगे के मैचेस में क्या ही करेगी यार ये टीम, यार इतना नहीं मारते यार, थोड़ा तमीज से मारो। आयुष जी का मैसेज ले लेता हूँ, थॉट माई प्रिडिक्शन इज SRH बट इन आरसीबी का बॉलिंग देखे गुस्सा चढ़ रहा है, गुस्सा नहीं भाई सब कुछ चढ़ रहा है, ऊपर का खून नीचे आ रहा है, नीचे का खून ऊपर जा रहा है, पता नहीं कहां क्या क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट मैसेज है भाई, ट्रेविस हेड का कोई तोड़ नहीं है, मिला है अभी तक किसी का, अब अश्विन या धोनी दोनों को मिलके सोचना पड़ेगा। भाई ट्रेविस हेड का वैसे भी कोई तोड़ नहीं है, जब ये चलता है ना भाई, कैसी भी बोलो छोड़ता नहीं है, आगे पीछे ऑफ साइड कैसे भी मनवा लो भाई, एक तो स्लो बॉल इतनी स्लो आई थी, उसने नॉर्मली स्लो पे आउट होते उसने घुमा करके पीछे मार दी, क्योंकि उसको इतना दिमाग में भी था कि पीछे फील्डर नहीं है, ऐसे कट मार देता, ऐसी कटिंग मार देता भाई, ट्रक चलाता था बंदा लगता पहले। तो सागनिक जी का मैसेज, द मोस्ट शेमलेस फैन बेस बिलोंग्स टू आरसीबी। भाई फैंस की क्या गलती है भाई, फैंस तो यार देखो अपना दिल जान लगा करके सपोर्ट कर ही रहे हैं ना, लेकिन जब टीम ही नहीं करेगी तो क्या करेंगे। 19/44 लगा हुआ है भाई दिनेश कार्तिक, 195 हो गया 15.2 में, टेक्निकली तो ये स्कोर बहुत अच्छा है ना, अगर ये पहले बैटिंग कर रही होती तो सब तालियां बजा रहे होते, वाओ आरसीबी क्या खेल रही है, लेकिन अभी आरसीबी की धक 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 ऐसी हो रही है, अगर और मगर की बात है, लेकिन देखो बॉलिंग भी बहुत अच्छी है SRH की, ये माननी पड़ेगी। तो आयुष जी का मैसेज ले लेता हूं, किसने आज आरसीबी चूज किया था प्रिडिक्शन में? ये मैसेज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई, देखो शिवानी को तो मैं ब्लेम नहीं दूंगा क्योंकि बारी मेरी थी, मैंने ले ली थी SRH, तो टेक्निकली इनको झेलनी पड़ी आरसीबी, आपको पता है ये मेरी फेवरेट टीम है SRH, मैं ही लूंगी ये भी है, लेकिन दिल विराट कोहली की तरफ हो जाता है, तो मुझे लगता है फिर भी विराट कोहली की तरफ शायद लगा देती कि आज मेरा विराट भाई कुछ करेगा, आज कुछ इज्जत बचाएगा, ऐसा कुछ माहौल बना देती। लेकिन देखो एक बार तो मेरे भी मन में लालच आया था, सच बताऊं मेरे मन में लालच आया था कि यार विराट कोहली को आज सपोर्ट करना बनता है, लेकिन फिर मैंने सोचा यार भावनाओं में नहीं बहना है, माँ की आंख ये लगवा देंगे, ये ऐसे एल लगवा देंगे तो जो दोबारा निकलने मुश्किल हो जाएंगे, तो मैंने कहा यार भावना जाए बाढ़ में, हम जाएंगे दिमाग पे, हम बनेंगे थाला के फैन, जो दिमाग कहता है वो सही है उसी पे जाओ, दिल तो लेके डूब जाता है, और मैं हो गया। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने रिव्यू लिया और वो वाइट कर दिया, जो कि वाइट थी, पता नहीं एम्पायर्स को क्या हो गया था, दी नहीं। नटराजन है, अच्छे बॉलर है, वैसे बहुत अच्छी बॉल डालते हैं, इसको मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बता दूं दिनेश कार्तिक इसकी ठुकाई कर सकता है क्योंकि लेग साइड में बहुत अच्छा खेलता है। तो भाई सबसे लंबा सिक्स मार दिया डीके ने, 108 मीटर का विकी बता रहे हैं, और ये अभी लगाई हुआ है भाई
बस मेरी कृपा है ऐसे हाथ जोड़ करके। देखो ये तो सब जोड़ते, मैं तो ये वाले जोड़ूंगा। जो गलती विराट कोहली ने की थी ना 2019 में दिनेश कार्तिक को डाल करके वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में, इसलिए लगवा दिए थे भाई हमारे एल। ये यहां तो चल जाता है, छोटा ग्राउंड, छोटी बाउंड्री, आधे इंडियन, मतलब 7 प्लेयर तो इंडियन ही होते ना, ऑब्वियसली 4 फॉरनर होते, उसमें से भी बैटर भी होते, तो बॉलर तो गिने चुने ही के दुखे बच जाते हैं। फिर इस बेस पे, आईपीएल के बेस पे आप सिलेक्ट कर देते हो इनको वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में आ जाते हैं इंटरनेशनल प्लेयर सारे के सारे 11 जो खेल रहे हैं, उसके अलावा अलग है कैच फील्डिंग सब अलग लेवल की, बॉलिंग अलग लेवल की, क्योंकि वहां 5 बॉलर और 7 बॉलर सारे इंटरनेशनल लेवल के, वहां ये खिलाड़ी नहीं चल पाते हैं। इनको भाई आईपीएल तक रखो, वहां के बारे में मत सोचना, गलती भी मत कर देना स्क्वाड में डालने की, क्योंकि स्क्वाड में डाला तो मेरा रोहित शर्मा जो है ना, उसका दिल बहुत दरिया है, वो सोचे यार भाई इसको खिला देते एक दो मैच, और एक दो मैच से ही टूर्नामेंट में लग जाती है। नॉकआउट मुकाबले तक तो आप कुछ भी चल जाता है, लेकिन नॉकआउट मुकाबले भी तक जाने के लिए आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आनी चाहिए। एनीवे मैं ये कहूंगा, देखो अनुज रावत को इन्होंने पता नहीं क्यों डाला आज, ऐसे ऐसे करके डाल दिया था, पता नहीं क्या सोच करके डाल दिया भाई। पहले बैटिंग वैटिंग कर लो, बैटिंग कैसी चलती है उसके हिसाब से आप डाल लो कोई सब इंपैक्ट प्लेयर। लेकिन मैं ये कहूंगा यार, विराट कोहली कुछ नहीं कर सकता इस टीम का, विराट कोहली इस टीम से निकल जाए। इसमें इतनी बट ज्यादा हाई लगी हुई है ना भाई, इतने लोगों की हाय, एक तो हाय होती है, एक हाय 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 वो वाली हाय लगी हुई है, ऊपर से इस टीम का कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कल रोहित शर्मा अभी एंड तक खेले लेकिन जीता नहीं पाए, लेकिन उनकी टीम फिर भी कुछ कर तो जाती है, रन ठोकती है, 277 लगवाती है अपने साथ में, लेकिन फाइट बैक करती है, 30-31 रन से ही तो हारती है, ज्यादा से तो नहीं हारती है, वो भी क्योंकि हार्दिक पांड्या मेरा जो फेवरेट खिलाड़ी है नहीं मैं मजाक में बोला, कभी सब उसको सीरियसली ले लो, मैं पसंद नहीं करता, मैं साले को थप्पड़ मार दूं सामने मिल जाए तो। लेकिन उसने जो 20 बॉल में 24 रन की इनिंग खेली थी उसकी वजह से हारे थे, वरना वो चेज भी कर देते 199 पर 6 ऑल ओवर में, 24 बॉल 89 रन, बन तो नहीं सकते किसी तरीके से। यहां से मैं इमेजिन कर लेता हूं कितने रन दिनेश कार्तिक या पूरी टीम बना सकती है, 6 मारा भाई, और ये मारा पैट कमिंस पे इंटरनेशनल खिलाड़ी पे 53 बॉल्स बैक टू बैक, और इसने मुंबई को तो धुलाई की 23 पे 52, ये छक्का भाई छक्का नहीं मारा था इसने, खुंदस्त में मारा था ये बंदा इसने यार, ऊपर के थोड़े से और रन बने होते ना बिल्कुल अचीवेबल था ये, मतलब उतना भी बैड नहीं जा रहा, बड़ा अच्छा चेस जा रहा है आरसीबी की तरफ से। वैसे एक कह रहे डीके को ले चलो वर्ल्ड कप, तो भाई डीके को कल धोनी को ले चलो वर्ल्ड कप, आज डीके को सबको ले चलते हैं, बाकी सब बैठे रहे। वैसे डीके अपनी पूरी एफर्ट मार रहे हैं, जितना जान उसमें है पूरी जान लगा रहे हैं। अनुज रावत भी ये बॉले ना वेस्ट करके कुछ कंट्रीब्यूशन करे तो भाई मजा आए। तो सांग में कह रहे मैं एक सपोर्टेड आरसीबी, दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स। ओके सांग में कह रहे पहले चेस के पहले दीदी मुझे पॉइंट्स दे दो। देखो जिस तरीके स्कोर खड़ा कर रखा ना, पहाड़ जैसा नहीं होता ये, तो मैं कहूंगा कैलाश पर्वत जो जहां पे शिवजी विराजमान है ना, जहां पे कुछ नहीं जा सकता, वहां साइंस भी फेल है, वैसा है यहां नहीं था पॉसिबिलिटी। इसमें मैक्सवेल होता मैं थोड़ी सी उम्मीद बांध लेता, थोड़ी सी बांध लेता, मानता वहां पे भी नहीं था लॉजिक, वो 40 पे 100 मार देता ज्यादा से ज्यादा। बाकी के भी तो जो बांधे थे ना 80 बॉल पे वो रन नहीं बनते थे। एनीवे अब बस यही है कि 81 रन चाहिए 21 बॉल पे, अगर ये किसी तरीके से किसी तरीके से 21 पे 50 रन बना लेते हैं हाँ। तो मैं मानता हूँ बहुत इज्जत वाली बात हो जाएगी, इज्जत वाली बात है, बहुत ज्यादा इज्जत वाली बात हो जाएगी जी बिल्कुल। तो समीर कह रहे आरसीबी का नाम आरसीबी हो जाना चाहिए, लेकिन समीर अभी तो यार अच्छा चेस चल रहा है, मतलब फिर भी जितनी बेइज्जती इन्होंने बोलिंग से करवाई है यार। वैसे मैंने सोचा था कि टॉस ये लोग हार गए हैं एंड जो भी है टॉस जीते हारे थे,
बैटिंग दे दी एसआरएच को, जितने ज्यादा रन बन सकते हैं ठुकाई हो सकती है, ठोक ले। अब मुझे क्या से पता था इतनी बड़ी ठुकाई हो जाएगी कि नाम ही चेंज हो जाएगा, सब कुछ रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। तो भाई देखिए 250, पैट कमिंस ने कहा था यू नो कि 240 यहाँ का पार स्कोर है, एंड वो बात कमेंटेटर्स कह रहे थे, ट्विटर पे लोग कह रहे थे कि यार पार स्कोर ये यू नो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, इतना ज्यादा पार स्कोर होता नहीं है। लेकिन देखिए उसकी बात बिल्कुल सही आ रही है, पार स्कोर था 240, आरसीबी 240 चेज कर लेता। ये तो ट्रेविस हेड और क्लासन की सुपर सुपर इनिंग्स थी जो ये 240 से 287 चला गया स्कोर। भाई इसने टाइटल ऐसे तो नहीं जीता है, लकी नहीं होता, लक कुछ नहीं होता भाई, लक कहते ना किस्मत बहादुरों का साथ देती है, जब बहादुर होगे तभी तो किस्मत साथ देगी ना। उसने वर्ल्ड कप भी जिता दिया, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जिता दी, उसने एशेज भी जिता दी। लक होता टुक्का लग जाता एक बार, जो बार बार लगता है वो हार्डवर्क है। इस बंदे की आंखें जो है ना बाज जैसी है, ऊपर से पानी में मछली देख करके ऊपर से पकड़ के ले जाता है बाज, समझ रहे। तो ये वैसा है, इसने सही बोला था 240 पार वाला है, और आरसीबी को लगा हम पहले बॉलिंग डाल लेते हैं, आज थोड़ी सी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, हमारी बॉलिंग शायद कुछ कर जाए। और नॉर्मली आईपीएल के दौरान आप देखते हो जो भी टॉस जीतता फील्डिंग लेता है, ड्यू फैक्टर मान लो, कुछ भी मान लो, चेज करना थोड़ा आसान होता है, बोर्ड के सामने जो रन होते हैं उसके हिसाब से आप बैटिंग चेंज कर सकते हो। भाई ये मार नहीं रहा है, गंदे मार रहा भाई, मेरे से लिख के ले लो इसका वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया है। नहीं 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 यार क्या बातें कर रहे हो, प्लेइंग 11 में आएगा रे। इस बंदे ने मेरे के राहुल का पत्ता काट दिया है, ये बात सच है। नहीं यार भी जा सकते इसको, देखो लास्ट टाइम भी देख याद है क्या किया था, बात अलग है। लेकिन सीरियस की बात मैं बता दूं, बैकअप में के राहुल डालने से मच मच बेटर है दिनेश कार्तिक, कारण आपको बता देता हूं, इसलिए नहीं ये खेल रहा है, नहीं ये अलग बात है। कारण यह कि दिनेश कार्तिक जहां पे आकर खेलता है ना वो बैटिंग ऑर्डर ही मिलना है टीम इंडिया में, उससे नीचे नहीं मिलना भाई, समझ रहे हो। तो आपको अगर छठे सातवें नंबर पे आके बैटिंग करनी है, ऑब्वियसली उसी नंबर पे करनी है, तो आपको वैसे ही खिलाड़ी को लेके जाना चाहिए। ऋषभ पंत अलग बात है ऊपर करेगा, लेकिन अगर ऋषभ पंत नहीं चलते या वैसे चलेंगे, अगर कुछ हो जाता है ऊपर नीचे मान लो खिलाड़ी, या दो विकेट कीपर खिलाने होते हैं आपको, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ऐसा होना चाहिए जो फिट खिलाड़ी है। विकेट कीपिंग एक नंबर की, फील्डिंग कहीं पे भी करा लो एक नंबर की, बैटिंग एज ए फिनिश, बुमराह पे जो छक्का मार सकता है, पैट कमिंस पे जो छक्का मार सकता है ना भाई, ऐसा नहीं है इसमें टैलेंट नहीं है, है। देखो ओडीआई फॉर्मेट एक अलग था, फेल हो गया था वहां, ये अलग बात है। अब लेकिन T20 की बात है, अरे T20 वर्ल्ड कप भी तो लेके गए थे इसको, ऑस्ट्रेलिया में तो लेके गए थे, जब ऋषभ पंत को आखिरी के दो मैच दिए थे पाकिस्तान के मैच में, ये लास्ट ओवर में जो एंड लास्ट ओवर में आउट हो गया था, पूरा बढ़वा दिया था। T20 तो मुझे याद नहीं है भाई, अरे आपको वो मैच नहीं याद है नवाज का जो आखिरी ओवर था, 16 रन चाहिए थे जब विराट कोहली का मैच आउट हो गया था, ये भाई साहब आए और गए। एक्चुअली देखो उसमें तो उसने विराट कोहली की बात मानी, उसने बोला था कवर के ऊपर से मार देना, स्टेप आउट करके स्टेप आउट किया, उसने बॉल पैर पे मार दी, बेचारा स्टंप आउट हो गया, इसकी उतनी गलती नहीं कह सकते, और आया ही था आते ही साथ कोई हार्दिक पांड्या आउट हुआ था, डीके आया उसके बाद आउट हो गया, निकल पड़ा वो वहां से, और फिर अश्विन आया था जो वाइड बॉल ली थी उसने, वही आउट हुआ था। तो इसने काफी ज्यादा टूर्नामेंट खेला था, ऋषभ पंत को बाहर बिठाया था, उसको एंड के दो मैचेस में लेके आए थे ऋषभ पंत को, तभी तो इसकी क्रिटिसिज्म हुई थी इतनी ज्यादा। मेरे हिसाब से आउट होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है पिचिंग तो है ही, हिटिंग भी स्टंप भी होगी, बैट लग गया तो अलग बात है, अब देख रहे हैं लेना है नहीं लेना। एक ही रिव्यू है, बुमराह आई थिंक है क्लासन कह रहे हैं कि बाहर है, लेकिन ले लिया है और सही भी है, वैसे भी कुछ बचा नहीं है मैच में। हाँ मैं ये कह रहा था, देखो एक बॉल खेली थी अश्विन ने, एक वाइड छोड़ करके अगली पे कवर के ऊपर से मार दिया था चौका, तो मतलब उससे पहले इसने जो बॉल खेली एक दो बॉल खेली वहां प्रेशर में यार अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो फेल हो गया, गलत हुआ, ओहो क्या है ये, क्या है आप सब बताओ क्या है, मेरे हिसाब से तो आउट है। विकी कह रहा है सिराज होता तो 300 पिट जाते, वैसे इन्होंने इनसाइड एज है, सिराज को भी बिठा दिया, वैसे बहुत वर्ल्ड कप के लिए बड़ी बैड न्यूज आई है चीज, सिराज का बैठना बैड कुछ नहीं है। देखो इमोशंस अपने जगह, शिवानी समझा करो बात को, सिराज T20 बोलर नहीं है, बुमराह नहीं था तो हम काम चला रहे थे, अलग बात है, बुमराह आ गया है,
स्पेशलिस्ट बॉलर है हमारे पास, हार्दिक पांड्या खेलेगा ही, जितने सिराज रन देता है ना उससे कम ही देगा हार्दिक पांड्या, प्लस बैटिंग ऑप्शन बढ़ जाता है, प्लस फील्डिंग भी अच्छी है, ठीक है ना। अब मोहम्मद शामी आ जाए तो अलग बात है भाई, मोहम्मद शामी से मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन जहां मैं मैचेस है ना वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, वहां ज्यादा फास्ट बॉलर की बत्ती नहीं है, वहां स्पिनर ज्यादा चलेंगे, उसी टाइप के आपको रखने हैं। तो एक बुमराह है, ओए 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 क्या बोल डाल रहा है यार, भूवी भूवी तो कुछ अलग ही है। इस बंदे से कौन मिला था शिवानी एयरपोर्ट पे, किसने पहचाना था इसको? नहीं पहले मेरे सवाल कर ये उल्टा पड़ जाएगा नहीं तो भाई समीर का जो है बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन आया कि आरसीबी के स्क्वाड में कौन कौन बचे हैं, बाकी प्लेयर बाकी जो है उनको रेस्ट ऑफ द मैचेस में खिला देना चाहिए। तो भाई आज की वीडियो अगर किसी ने देखी हो तो उसमें मैंने बता दिया था कि 19 प्लेयर ये ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, एंड आज जो है लॉकी फर्गसन भी खेल रहा है, ठीक है। सो भाई 20 प्लेयर्स जो है यूज हो चुके हैं, प्रभु देसाई आई थिंक अभी तक खेला नहीं है, स्वप्निल सिंह शायद खेला या नहीं खेला है, टॉम करन तो वैसे ही मुझे लगता है उनकी हड्डी नी टूटी हुई है, राजन कुमार है एक जो नहीं दिखे हैं, मनोज भंडाजे हैं, तो भाई है अभी अभी कुछ है, हिमांशु शर्मा भी है, तो अभी 3-4 प्लेयर हैं जो नहीं है बट उनके नाम हमने भी सुने नहीं है, शायद इन लोगों ने खुद ही नहीं सुने होंगे कौन कौन है। तो भाई 20 प्लेयर्स ऑलरेडी यूज हो चुके हैं स्क्वाड से, एंड गिने चुने कुछ यंगस्टर्स बाकी रह गए, ओहो डी के पूरे स्टाइल में तो भाई बहुत ही बुरी हालत चल रही है, 2 पॉइंट है अभी तक और आज वो पॉइंट बढ़ने भी नहीं वाले। भाई देखो यार भुवनेश्वर आग डाल रहा है भाई, जहाँ सबकी ठुकाई हो रही है ना, 17.4 ओवर्स में 221 ठुक चुके हैं बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पे। इस बंदे ने अभी तक सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में, 4 बॉल पे 4 रन, एक वाइड डॉट फिर सिंगल एक वाइड अब आ गई है, तो ये मिलाकर के 4 रन, ठीक है 5 हो गए हैं 2 वाइड, ठीक है फिर भी यार 5 डेथ में 5 रन, 2 ओवर बहुत अच्छी डाली थी इसने, जहां दिनेश कार्तिक लंबे लंबे मार रहा था अलग लेवल पे। अब हालांकि ये बचने के लिए ऑफ साइड में जा रहे हैं और वाइड पे वाइड डाल रहे हैं, दिनेश कार्तिक कुछ करेगा, लेकिन स्टैट्स इसके भी ठीक नहीं है, 16 बॉल डाली है 34 रन खा चुका है। देखो मैं पहले ही बोलता हूं हमेशा आईपीएल के दौरान ना बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता, पिचेस पे कुछ भी नहीं है, वहां पिच पे बॉलर का चीर हरण होता है, बैट्समैन गंदे गंदे मारता है, एक ही आपको चीज बचाती है, या तो आपके पास बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो आप बच सकते हो भाई, घूम करके छक्का मार दिया भाई ने, रिवर्स स्वीप में छक्का मार दिया, और फास्टर की पे, स्पिनर की पे तो आपने देखा होगा, फास्टर की पे कोई ऐसा छक्का मार दे मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसे खिलाड़ी। तो बंदे ने इस ओवर में भी खेल दिए 12 रन, तो मैं वही कह रहा था कुछ होता नहीं पिच में, कोई भी आता है टांग उठाता है घुमा करके मार देता है, गिरता पड़ता मार देता है, सूखा नशा करके मार देता, बॉलर के लिए कुछ नहीं है, एक ही चीज है आपकी तरक्की की आईपीएल में, जो वेरिएशन स्लो वेरिएशन और सटीक टप्पा बहुत जरूरी है, वरना तो ऐसे छोटे छोटे ग्राउंड है ना टोपे 6 चले जाते हैं, टोपे 6 13 बॉल 59 रन, देखो 13 बॉल 59 रन इस पे छक्का आता तो 13-12 पे 53 चाहिएंगे, मैच नहीं जीतेंगे, 53 रन नहीं बनेंगे 2 ओवर में, लेकिन 53 में से 40-45 बन सकते हैं, 40 तक तो बन सकते हैं, अगर मान लो 35 से 40 के बीच में रन बना देते हैं तो बहुत ही ज्यादा इज्जत वाली बात हो जाएगी आरसीबी के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये यॉर्कर डाल दिए, बहुत अच्छी बॉल डाल दिए, इस बॉल पे तो आएगा सिर्फ सिंगल, मतलब 58 रन 2 ओवर में, कितने रन से अब आरसीबी हारती है, बस ये हार सुनहरे अक्षरों में लिखे जानी है। पैट कमिंस की बात सच होगी, 240 पार का स्कोर एवरेज, 240 भाई, 230 इन्होंने ठोक दिए चेस करते हुए, अभी 15-20 रन तो मिनिमम ठोकेंगे। मेरी यही थी जब पहले नहीं खत्म हुई भाई, अगर आरसीबी किसी तरीके से 250 टच कर देती है तो आरसीबी जिंदाबाद के नारे लग जाने चाहिए। विकी बता रहे 37 सिक्स लग गए हैं आज, 2 और 6 लगा दो तो रिकॉर्ड जो है टूट जाएगा, 38 सिक्स का रिकॉर्ड है आई थिंक जो वो बता रहे थे ऊपर एसआरएच का जो मैच था पहले वाला, तो भाई 2 और 6 है, वरना 1 और 6 में तो रिकॉर्ड इक्वल हो जाएगा, तो 12 बॉल में 1 और 6 तो लगना चाहिए, 2 और 6 में रिकॉर्ड टूट जाएगा, लग जाएंगे 2 तो लग जाएंगे यार, मेरा तो मैं मानना है ऐसा 2 पक्का लग जाएंगे, दिनेश कार्तिक जान लगा रखी है, इस ओवर में शायद 1 लगे ऐसा हो सकता है, नटराजन अच्छा बॉलर है। तो भाऊ साहब जी कह रहे हैं दैट डीसी आरसीबी और पंजाब को मिला के एक टीम बनानी चाहिए, अरे भाऊ साहब जी कुछ नहीं होने वाला और बदतर हो जाएगा,
और ये बहुत लंबा भी है, पहली पे मार दिया दिनेश कार्तिक 100 मारने वाला भाई, 31 बॉल 75 भाई, ये तो क्लासिन बना हुआ है, 31 बॉल 75 भाई, इसने बोला है वो भी विकेट कीपर है मैं भी विकेट कीपर हूं, ठीक है मेरे से लंबा तगड़ा चौड़ा है, माना कि वो साउथ अफ्रीकन है, 97 मीटर का छक्का मार दिया इसने, हालांकि क्लासिन ने एक बॉल बाहर भी मार दी थी 106 मीटर का, वो अलग बात है, लेकिन लोकी फर्गुसन की पे मारी थी भाई वो, मतलब वो बॉल भी 147-148 की स्पीड से थी, इस बंदे ने भाई क्लासिन की इनिंग खेल दिया, उससे ज्यादा रन मारते फील दिला दी, मतलब 31 बॉल्स में 75 रन्स मार गया, अरे यार आउट हो गया, ओ जो ड्रॉप कैच ड्रॉप गया फील्डिंग, ऐसा ट्रेविस हेड वाली इनिंग खेल रहा बंदा, 242 यार फील्डिंग स्ट्राइक रेट, 7 छक्के मार चुका, 4 चौके, चौके में तो बात ही नहीं कर रहा, छक्के ही मार रहा बंदा, और ये ट्रेविस हेड के, ट्रेविस हेड था नहीं नहीं ग्लेन फिलिप्स है वो तो, फिलिप्स अच्छा फिलिप्स फील्डिंग कर रहा है ना, तगड़ा है ना फील्डिंग में, बहुत अच्छा बहुत तगड़ा फील्डिंग की बेस पे ही रखा हुआ था मुझे याद आया, तो भाई मैच में जान डाली हुई है, 10 बॉल 50 रन बनने नहीं है, लेकिन दिनेश कार्तिक ने जो जान लगाई हुई ना वो एक अलग लेवल की जान है, बहुत अच्छा एफर्ट है भाई, कोई और कोई और फील्डर होता ना भाई अटेम्प्ट भी नहीं करता, इसने तो भाग करके मछली की तरह, हवेल मछली की तरह जंप भी मार दिया, कोई भाई ला दो पटियाला पैग ला दो मेरे लिए, मैं पीता नहीं हूँ लेकिन आज मैं पीने के लिए भी तैयार हूँ, बोलने में कुछ नहीं जाता भाई पीऊंगा मैं अभी भी नहीं, कभी कहो के लाइव पे बोला था भाई पीनी पड़ेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरीके से इसने घूम करके टांग उठा करके मारा ना, दिल जीत लिया भाई दिनेश कार्तिक ने, मैं तो कहता हूँ डाल दो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, पक्का डाल दो, नहीं ऐसे काम नहीं हो सकते भाई, देखो फिटनेस तो है ही बंदे यार, 33 बॉल 81 रन बनाना मजाक का खेल थोड़ी ना यार, मैं कहता हूँ 5 चौके 7 छक्के ऐसी इनिंग कोई इंडियन खेल दे, 245 की स्ट्राइक रेट भाई, ये भी 2 रन है या 4 है, 2 तो पक्के है, आई थिंक 2 तो पक्के है, 2 तो इसने ले लिए, अच्छा थोड़े से मैसेजेस में ले लेती हूँ वरना ऊपर आ गए हम, तो एस्ट्रोलॉजर्स हैव कंफर्म्ड देयर इज नो प्रॉब्लम इन आरसीबी'स प्लैनेट्स बट एंटायर सोलर सिस्टम इज मूविंग रॉन्ग, मतलब पूरे ग्रह प्लैनेट्स ही अलग है, बिल्कुल सही बात है, आरसीबी नीड्स टू यूज एस्ट्रोटॉक नाउ, ये एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर है ये क्या मैं एक मैसेज लेना चाहूंगा शिवानी आपसे, क्योंकि मुझे मेरा सवाल है, 34 बॉल 83 रन क्या 5 बॉलों में ये 17 रन मार करके सेंचुरी बना सकता है और ट्रेविस हेड के इक्वल कर सकता है, आज ही दूसरा रिकॉर्ड कर सकता है और ये खत्म हो गया, मेरी नजर लग गई भाई को, वेल प्लेड दिनेश कार्तिक, बहुत वेल प्लेड यार, वेल प्लेड सलूट है भाई तुझे, बहुत डबल सलूट है, मैं ये कहूंगा ये थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ा सा हट गया, अगर ये उसी लाइन में खड़ा होकर के मारता तो ये भी छक्का था जैसे बुमराह की बॉल पे मारा था, लेकिन 35 बॉल 83 रन भाई, ये उंगलियों का जादू देख लो, उंगलियों का जादू से ही बचा है ये, अगर ये भागते हुए स्पिनिंग नहीं डालता ना नटराजन, ये भी छक्का था, तो नटराजन ने बहुत अच्छी बॉल डाल करके इसकी विकेट निकाली, दिनेश कार्तिक की कोई गलती नहीं है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतनी गर्मी में पसीने में तर हो रखे थे ट्रेविस हेड, क्लासेन, मार्करम, और वहां पे लोता बंदा पसीना बहाते हुए गया है, हालांकि फैब ने भी बहाया है, लेकिन जो डेथ में आकर के रन बना दे, मतलब 5 फील्डर बाहर थे, 246 ले गया था शायद मुंबई 277 के चेज में, 244 ही आरसीबी ले गया है, तो भाई अमेजिंग चेज थी सच्ची में, जो जो लोग क्राउड एक्साइटेड है वो फैफ डुप्लेसी की वाइफ वहां खड़ी हुई है वो ताली मार रही है, तो भाई सारे जो हैं बहुत ही एक्साइटेड है, खुश है, यूसुफ जी भी खुश है, वो कह रहे हैं कि गुड विन टुडे, यूसुफ जी आज आपके साथ है, एसआरएच के साथ है, अरे तो... वाह क्या बात है भाई जान, दिल जीत लिया है यार इतना सपोर्ट करोगे तो भाई प्यार हो जाएगा मुझे नहीं तो विकी कह रहे धोनी को भी ले चलो और डीके को भी ले चलो वर्ल्ड कप में, सबको ले चलो, टोली बना के चले गए, बिल्कुल विराट कोहली का विकेट गिरा तब आरसीबी हार गया था, आयुष कह रहे हैं जी वो विकेट काफी इंपॉर्टेंट था, बड़े अच्छे खेल रहे थे, फ्लिक के छक्के बड़े मारते हैं वो आजकल, बड़े अच्छे छक्के मार दिए थे उन्होंने, बट यस विराट कोहली थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो गया था, पैट कमिंस ने फैफ की विकेट लेके पूरा साइलेंट कर दिया, जी जी बिल्कुल, समीर कह रहे हैं कल का मैच कहाँ है, किसके साथ है, तो हाँ कल का मैच तो भाई बहुत बड़ा मैच है, KKR वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, तो दो स्ट्रॉन्गेस्ट जो टीम्स है आईपीएल की उनका कल मैच है, और भाई
चॉइस मेरे हाथ में, किसको लेना है, कैलकटा में ये मैच है, मैं खुश हूँ आपके हाथ में, क्योंकि प्रेशर में आप हो, मैं नहीं हूँ। यार बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैंने जैसे ही देखा आज किसका मैच है कल मतलब, तो वैसे मेरे पसीने छूट गए, मैंने कहा यार ये गलत मैच की चॉइस मेरे सामने आ गई। अनुज रावत भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 10 बॉल 12 रन, हालांकि अभी चौका मारने से पहले नहीं, और लास्ट बॉल पे इसने सिंगल छोड़ दिया था। तो बेंगलोर में सॉरी कोलकाता में मैच है, ठीक है, कोलकाता वर्सेस राजस्थान में नंबर वन की फाइट है, नंबर वन की फाइट है टेबल पे, क्योंकि राजस्थान ऑलरेडी नंबर वन है, क्योंकि एक मैच ज्यादा भी खेला भाई उन्होंने, बट अगर वो रन रेट बहुत ज्यादा है ना केकेआर का, मैं वही कह रहा हूँ कि एक मैच ज्यादा खेला इसलिए वो नंबर वन है, इसलिए पॉइंट्स भी ज्यादा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है एक मैच ज्यादा खेला है, दोनों टीम एक एक मैच आ रही है, और अगर कल कोलकाता जीत जाती है तो नंबर वन आ जाएगी, जो कि मुझे लगता है कोलकाता जीत, कुछ नहीं बोला भाई मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, ये क्या बोल देता हूँ मैं यार, कौन सा पानी पिला रहे हो शिवानी आप मुझे। तो दिनेश डार्डिया अच्छा ट्राई कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए, सिलेक्टर्स को रुला देगा, जी जी बिल्कुल, लेकिन यार वर्ल्ड कप के लिए दोबारा से वो नहीं करना हमने काम, आरसीबी शुड लर्न फील्डिंग फ्रॉम हैदराबाद, समीर जी कह रहे हैं। जी देखिए ग्लेन फिलिप्स को इन्होंने लाए हैं फील्डिंग के लिए, एंड वर्ल्ड के ऑलमोस्ट बेस्ट फील्डर है, उनका फ्लाइंग कैच अभी पीछे उन्होंने लिया था, आई एम फॉरगेटिंग किस टीम के अगेंस्ट लिया था, बट ही इज वेरी वेरी गुड। सो एनीवे विकी जी, आपका रिकॉर्ड टूटा कि नहीं टूटा, आई थिंक रिकॉर्ड आपका इक्वल हो गया, एक छक्का लगा उसके बाद से, तो मुझे लगता नहीं वो छक्कों का रिकॉर्ड अभी तक टूट पाया है। तो समीर कह रहे हैं, आई ऑलवेज फेल्ट दैट आरसीबी मैनेजमेंट डजंट केयर अबाउट आईपीएल ट्रॉफीज, सिलेक्टिंग द राइट स्क्वाड, इंस्टेड दे प्रेफर साइनिंग 2-3 स्टार प्लेयर्स to gain fans, attract sponsors and make money, job done. ये बड़े interesting take है। क्रिश आप इसमें कुछ बोलना चाहेंगे? मैच में तो अब कुछ बचा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि 2-3 स्टार प्लेयर्स को ये साइन कर देते हैं जिनके वजह से इनको एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप की डील्स मिल जाती है, इनको जीतने का कोई मतलब नहीं है, बस जो पैसा उससे कमाते हैं। तो ये मैंने काफी ट्विटर में भी ये बात सुनी है, कोई इसी टाइप की बात लोग कह रहे हैं कि इनको मैच जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ उससे जो पैसा मिल रहा है विराट कोहली से, ग्लेन मैक्सवेल से, फैफ डु प्लेसी से, यू नो सिराज से भी, उससे ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये बात सच है, क्योंकि ये बात मैंने भी बोली थी किसी को, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई। अनुज रावत 13 बॉल 21 रन, टेक्निकली अच्छा खेल रहा है, वो 200 प्लस हो गए, 250 प्लस हो गए, 258 बना दिए भाई, बहुत अच्छा है। मैं वापस मुद्दे पे आ जाता हूँ, नहीं तो शिवानी कहेगी भटका देता है। ही जी बता रहे कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी टेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की, एंड यू आर राइट, उसमें वो बहुत ही फ्लाइंग कैच लिया था, बिल्कुल थैंक यू ही जी। आप नाम नहीं बताते, आपका नाम मुझे बड़ा स्ट्रेंज सा लगता है, बट थैंक यू आपने वो अपडेट किया। तो बोलिए भाई, लास्ट ओवर में भी अभी लगा हुआ है, चौथा चौका मारा इसने, चौथा चौका मार दिया, चार चौके मार दिए इसमें, दो चौके लगातार, दो सिंगल फिर दो चौके लगातार, अनुज रावत 14 बॉल 25 रन, 262 बना दिए भाई 288 के चेज में पीछे करते हुए। तो ये बहुत बहुत ज्यादा ताली बजा देनी चाहिए आरसीबी के लिए भाई, सिर्फ मात्र 25 रन से जीतने दिया, मतलब सोचो मुंबई से मच मच बेटर खेली है, जबकि तुमने लेवल की टीम नहीं है आरसीबी। आरसीबी के मुद्दे पे आ जाता हूं, आरसीबी में विराट कोहली सबसे बड़ा नाम है, जैसे कि सबसे बड़ा नाम अगर पूरे आईपीएल में देखा जाए तो धोनी है, थाला के नाम पे अलग चीजें चलती है, अगर कोई थाला को टक्कर दे सकता है तो वो विराट है, अगर दोनों के मैचेस जब होते हैं सबसे ज्यादा व्यूवरशिप आती है, जाहिर सी बात है। फिर इन्होंने अपना जो बेस है, जो आईपीएल का जो मेन मुद्दा है वो पकड़ा हुआ है, मेन मुद्दा क्या है, हम आप सब क्या देखना चाहते हैं, बड़े बड़े चौके, बड़े बड़े छक्के, यही देखना चाहते हैं ना आईपीएल में, 100 पे 50 पे ऑल आउट हो जाती है, हमें मजा आता है, नहीं आता ना। तो आरसीबी के ओनर्स ने वही चीज की है, वही पकड़ी है, इनकी टीम में सबसे बड़े बड़े खतरनाक खिलाड़ी रहते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं, लंबे लंबे चौके मारते हैं, धड़ाधड़ पेलते हैं, गंदे से मारते हैं, चाहे क्रिस गेल ले लो, चाहे एबी डिविलियर्स ले लो, चाहे विराट कोहली ले लो, चाहे फैब ले लो, चाहे मैक्सवेल ले लो, कोई भी ले लो ईटीसी, ठीक है एक्सेट्रा, पॉइंट ये है, और उससे फैन फॉलोइंग इनकी बढ़ गई है। आजकल जो मार्केटिंग है ना, मैं 2-2 रुपए की चीजें बेचती हूँ, 2-2 हजार की, 2 लाख की, वो नहीं बिकती इतनी जल्दी, क्योंकि मैं एक दिन में 24 घंटे भी काम करूँगा ना, तभी मैं कितने लोगों से मिल लूंगा, लेकिन सोशल मीडिया का ट्रेन, करोड़ों लोगों से आप एक दिन में मिल सकते हो, करोड़ों से, वो इन्होंने पकड़ लिया है, वो बेस इनका है, और पैसा इनको मिलता है, एडवर्टाइजिंग इनको मिलती है,
लोग इनकी चर्चा करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, बैच। चलिए भाई आप जीत गए हैं, दिल को बहुत सुकून मिला भाई। ये तीसरी जीत है आज लगातार जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जी। तो भाई हमारा जो पॉइंट्स टेबल चल रहा है उसमें विकी जी अब टॉप कर गए हैं, तो विकी जी आपको भी बहुत ज्यादा बधाई है हमारी तरफ से, टॉप कर दे हैं और ये लगातार मुझसे जीते जा रहे हैं, मेरी प्रेडिक्शंस गलत हो ही जा रही है। विराट कोहली जो उतना सैड नहीं लग रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा सैड लग रहे हैं। मनीष आ गए हैं, मनीष हाय बोल रहे हैं। मनीष मैंने आपका एक हाय भी पढ़ लिया, मैं वो ही इनफ रहता है, मैं तो आपका फट से नाम पहचान लेती हूँ। और वो कह रहे हैं एज यूजुअल सर मुझे नहीं जानते नहीं जानता भाई, कौन है भाई, वीडियो तो लाइक करता नहीं तो मैं क्यों जानू भाई। मैंने तो बोला मैं उसी को जानता हूँ, उसी को पहचानता हूँ जो वीडियो लाइक करता है या कोई जो हमें फॉलो करता है, हमारे चैनल को प्रमोट करता है। सब्सक्राइबर बढ़ाओ, शेयर करो, इतना कुछ कर रहे हैं सब लोग, आप भी कुछ करो यार। मतलब देखो आरसीबी की टीम भी फाइट बैक करके गई है, 262 ठोक दिए हैं और सबके चेहरे पे खुशी है। वन साइडेड मैच नहीं था, मैं ये नहीं कह सकता शुरू से वन साइडेड था फर्स्ट इनिंग के बाद, लेकिन फिर भी जो फाइट बैक चल रही थी ना उससे बहुत मजा आया। हमें लगा नहीं ये मैच बहुत बोरिंग है, एंटरटेनमेंट का डोज जो चाहिए होता है वो इन्होंने दिया है। हालांकि एक छक्के से रह गए लेकिन इक्वल तो फिर भी कर दिया, दिनेश कार्तिक इक्वल करके गया था, छक्का मार के गया है जी। समीर कह रहे हैं आरसीबी बोलर्स तुम लोग मार खाओ जी भर के, लेकिन एक्स्ट्रा मत दो, विदाउट एनी एक्स्ट्रा टुडे आरसीबी वुड हैव वन। अच्छा इतने एक्स्ट्रास थे क्रिश, आप एक्स्ट्रास का देख के बताइए। थैंक यू समीर, आपने अवेयर करवाया तो ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। सो संदीप कह रहे फालतू का मैंने अपना प्रेडिक्शन गलत करवाया, धोनी भाई के इमोशन हो गया और मैं पीछे पड़ गया। अच्छा ओके, डीके की गुड बैटिंग थी जी। यूसुफ जी आपको बहुत बहुत बधाई, आप जीत गए आज क्रिश के साथ। आजकल आपकी ट्यूनिंग सही चल रही है। एक्स्ट्रा तो कहां जा रहा है, 15 रन बेंगलोर ने दिए हैं, 14 रन हैदराबाद ने दिए हैं, तो एक्स्ट्रा में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वाइड 13 दिए इन्होंने हैदराबाद वालों ने, ठीक है एक बाय का गया तो 14 रन ये है। अब अगर बात की जाए बेंगलोर की, उन्होंने 15 दिया जिसमें 12 वाइड एक नो बॉल है, ठीक है 13 दो लेग बाय है तो 15 एक्स्ट्रा तो आज के मैच में तो नहीं है, बाकी के मैच की बात करें तो अलग बात है जी। जी बिल्कुल, तो भाई T2 जी आ गए हैं, विवेक जी इनका नाम है, आपका वेलकम है, आपने वीडियो भी लाइक कर दी बहुत अच्छी बात है, और मनीष जी सबको वीडियो लाइक करने के लिए कह रहे हैं। तो भाई क्रिश अब आप इनको जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं और वो ये कह रही है कि सर आप दिल से विराट कोहली को ही सपोर्ट कर रहे थे, मेरे को सच मालूम है ये बात। ये अंदर की बात है यार, पब्लिकली मत बुलवाओ यार मेरे मुझसे, बात तो सच है यार, कुछ भी कहो ये सही बात है और सही भी है, सही सही होता है। पैट कमिंस 4/43 रन गए हैं, 3 विकेट लिए हैं, 4/46 पे 2 विकेट। मारकंडे ये भी पिटे हैं, मतलब 4/60 भुवनेश्वर भी पिटे, लाइन सबकी लगाई हुई थी, 1/18 शाहबाज अहमद और 2/37 जयदेव उनकट, इसकी तो साले का ओवर पढ़ने दे, इसको 50 रन पढ़ने दे, थोड़े से कम रह गए चलो कोई बात नहीं। अभिषेक शर्मा एक ओवर पहला ओवर डाला था, 10 रन दिए मात्र, एक कैच छुट्टी थी विराट कोहली की फॉलो थ्रू में, लेफ्ट हैंडेडर राइट में आया था मुश्किल था, लेकिन अच्छी फाइट बैक जी। जी बिल्कुल, तो संदीप जी कह रहे हैं पैट कमिंस जिसको बड़े बड़े बैट्समैन वीके रोहित नहीं पार पाए उसे डीके ने आज औकात दिला दी, चलो उसने साइलेंट तो किया थोड़ा पैट को, तो वही पैट कमिंस थोड़ा पिट गया जी बिल्कुल। तो वही संदीप जी वैसे आपको भी बधाई, आप भी जीत गए, आज आपके दोस्त जो है आयुष जी वो भी आपके साथ ही थे तो दोनों को आज पॉइंट मिल गए, आज सबको पॉइंट मिल गए, सिर्फ मुझे जय श्री राम जी को और विशाल जी को पॉइंट आज नहीं मिले क्योंकि हम जो थे आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे। तो समीर जी कह रहे, समीर जी आपको भी जय श्री राम जी को तो लगातार जीत रहे थे वही है ना। हाँ, तो उन्होंने आज आरसीबी की प्रेडिक्शन दी थी तो भाई कैसे भावना में भागे। अच्छा ये हो सकता है कि शिवानी अकेली देख करके आपने सपोर्ट कर दिया हो, नहीं उनको तो अच्छा कल उनको नहीं पता था ना बाकी की प्रेडिक्शन क्या। अच्छा नहीं पता था, फिर तो फिर आप भावना में भागे, आरसीबी के फैन होंगे इसलिए चले गए, लेकिन अभी तक की आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो लाजवाब थी, लेकिन अच्छा है एक झटका लगना चाहिए, नींद से उठना चाहिए जी। तो समीर कह रहे हैं आरसीबी हैज नो हंगर ऑफ विनिंग, दे हैव स्कोर 250 प्लस रन्स, दे नेवर लुक लाइक विनिंग, दे वर जस्ट चेजिंग सम मिथिकल रिस्पेक्टेबल स्कोर, गोइंग थ्रू द मोशंस, जस्ट वेटिंग फॉर 20 ओवर्स एंड पैट सम पर्सनल दैट इज नहीं 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 समीर जी ये जो आपने लिखा है ना ये जहां से भी आपने पढ़ा ये ठीक नहीं है।
ऐसा नहीं था, दे वर गोइंग विद एन इंटेंट, पावर प्लेन का बहुत अच्छा गया था, लेकिन देखिए वो जो रन आउट हो गया विल जैक्स का, जिससे गलती से बॉलर को बॉल लग गई और यू नो वहां से आउट हो गया, वहां से और पतिदर की विकेट जल्दी चली गई, थोड़ा वहां से लॉस हो गया, अदरवाइज बहुत ही अच्छे मोमेंटम से वो जा रहे थे, फिनिश भी अच्छा किया, स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया, थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था, इंटेंट में बहुत ही सही लग रहे थे। जहां भी आपने ये चीज पढ़ी है नीचे लिख देना वी डोंट अग्री विद यू, ठीक है। सो मनीष कह रहे हैं मुंबई का आईपीएल मैच चेन्नई के लिए हार्दिक पांड्या को बाहर निकालो, आज की ये दो बॉलिंग के सामने कोई भी जीत सकता है, मुझे पता चल गया इस मैच के बाद पक्का दिल्ली भी साइकिल में। अच्छा ओके मनीष जी, तो भाई आज का अच्छा मैच था और कल आपकी मुंबई जो थी वो हार गई मैच, रोहित शर्मा की सेंचुरी आई फिर भी वो हार गई। तो जी यूसुफ जी कह रहे गुड विन एसआरएच टीम, जी जी बिल्कुल यूसुफ जी आपको भी कंग्रेचुलेशंस। हैदराबाद जिस तरह से खेल रहा है, हैदराबाद जीतना चाहिए एक बार आईपीएल, मनीष जी कह रहे हैं ये तो बात सही है, इस टाइम भी जीत सकता है, बट केके और राजस्थान बहुत तगड़ा कंपटीशन देंगे। भाई हमारी पंजाब को हल्के में ले रखा आपने, पंजाब सिर्फ दो रन से मात्र से आ रही है हैदराबाद से, यही हैदराबाद मुंबई की ले रही थी, आरसीबी की खूब खुल के ली है, लेकिन पंजाब सिर्फ दो रन से आ रही है, तो मतलब पंजाब ने कहीं ना कहीं इज्जत तो बचा दी है। आरसीबी और दिल्ली चलो ऊपर आ जाएगी, जहां तक मुझे लगता है दिल्ली आ जाएगी, लेकिन देखो हैदराबाद वाकई में विनिंग जोन में जा रही है। काव्या की मैडम जो है ना, मैंने इतने सीजन हो गए उसको देखते हुए, आज तक इतनी खुश नजर नहीं आई जो उसने पैट कमिंस पे धाव लगाया। मैंने पहले बोला था सीजन स्टार्ट होने से पहले, सब कह रहे थे 25 करोड़ का जो गया है तकरीबन जो स्टार्क है वो बहुत अच्छा है देखने का, मैंने नहीं 25 करोड़ वेस्ट ही जाएंगे, टेक्निकली वेस्ट जाएंगे, मैं बताऊंगा किस बात पे, लेकिन ये जो 20 करोड़ इस पे लगाए ना ये वसूल करा देगा, इसने वसूल करा दी है ऑलरेडी जैसी परफॉर्मेंस जा रही है। हालांकि वो इत्तेफाक से जो स्टार्क है ना वो कोलकाता की टीम में है और वो अच्छा कर रही है, वो गौतम गंभीर की वजह से अच्छा कर रही है और वो ऊपर जा रही है। स्टार्क का सिर्फ लास्ट के मैच में एक परफॉर्मेंस आई थी, लेकिन पैट कमिंस लगातार दे रहा है, लेकिन दोनों खिलाड़ी देखो मैं ये कहूंगा अच्छे पैसे लेकर गए हैं, अगली बार आएंगे लालच रहेगा हमारे साथ खेलेंगे और हम इनकी ठुकाई करेंगे, मजा आएगा फिर इस बेस से ना इंटरनेशनल में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी की ठुकाई करने में। जी तो भाई मनीष जी कह रहे हैं कि सर आप मैम को कैसे जानते हो, आप पंजाब से हो क्या? जी बताइए कैसे जानते हैं आप मुझे, आप भी बता दो, मैच के थ्रू से ही जानते हैं पहले, तो पहले मैं बता देते हैं। आईपीएल के ऊपर ही हमारी दोस्ती हुई थी, बड़े सालों पहले दोस्ती हुई थी, हमारी एक शर्त लगी थी ये टीम जीतेगी कि वो टीम जीती थी, तो ये शर्त हार गए थे, आपने ट्रीट दी थी, भूल गए आप? जी जी शर्त आप जीत गए थे, मैं हार गई थी तो मैंने ट्रीट दी थी, तो वहां से दोस्ती हो गई, वो काफी साल पहले की बात है, तो आईपीएल के ऊपर ही हमारी जो है 10 साल हो गए भाई, हाँ उसी में हमारी दोस्ती हो गई थी। तो भाई नहीं पंजाब से नहीं है ये, हरियाणा से, ये गुड़गांव में रहती थी मैं उस टाइम, गुड़गांव में ही अभी रहती हूँ, तो यही दोस्ती हुई थी। तो सागनिक आ गए, सागनिक आपका वेलकम है, एंड विकी जी कह रहे हैं 2008 से 23 तक 250 का स्कोर एक ही बारी बना है, 2024 में 250 प्लस स्कोर 4 बारी बन चुके, बिल्कुल गेम चेंज होते हुए अब देख रहे हैं कि गेम एकदम हार्ड हिटिंग फास्ट स्कोरिंग, तो भाई बड़ा डिफरेंट सा वर्ल्ड कप होने वाला है इस टाइम। देखो क्या फर्क पड़ता है, आईपीएल जो है ना आईपीएल का आगाज अलग है, आईपीएल की में दुनिया भर के टैलेंटेड हर टीम में भरे हैं, ठीक है, और छोटी बाउंड्री है, ये भी फायदा, पेस तो आती है, और पहले होता था कि बंदा सेट होने के लिए 8 बॉल लेता 10 बॉल लेता ना, यही होता था ना, अब आईपीएल के इतने सीजन हो गए ना, अब खिलाड़ी पहली बॉल से हिटिंग करते हैं, अगर आप 8-10 बॉल लेते हो ना तो खेल रन कम बनते हैं, लेकिन जब आप पहली बॉल से हिटिंग करते हो बड़े बड़े रन बनाते हो तो रन ज्यादा बनते हैं, इसीलिए ये कारण है कि 250-250 रन भी बन जा रहे हैं, जो 50 ओवर में बनते थे 287 रन 262 रन वो 20 ओवर में बन रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है जब आप 50 ओवर के खेल में 500 रन देखोगे। जी बिल्कुल, तो भाई समीर सागनिक बड़े शौक है, वो 10 साल बोल रहे हैं, जी 10 साल किसी ने मुझे टॉलरेट कर लिया भाई तो ये बड़ी बात होती है। तो भाई समीर कह रहे हैं आरसीबी इज जस्ट लाइक पैसे वाला बगड़ा हुआ लड़का, ओके ये अच्छी बात है, तो वो तो भाई मुंबई को जाता है ये टैग मुंबई को जाता है। तो भाई विकी कह रहे कल की प्रेडिक्शन बताओ यार, अभी कल का मैच थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अभी अपनी प्रेडिक्शन तो मैं सोच के बताऊंगी, तो कल मॉर्निंग की जो वीडियो डालूंगी उस वीडियो में बताऊंगी, अभी मुझे रात को स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये 3 जीत के बाद हुआ है, ये गलत बात है, नहीं क्यों
हम एक दिन पहले ही बता देते, आप कहते थे बाकी हमारे दर्शकों समीर सिंह सबको मौका है कि टॉस से पहले बता देगा। एनीवे चलो कोई बात नहीं, जैसे आप बोलो हम तो वैसे ही मान लेंगे यार, क्योंकि बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है। हाँ नहीं नहीं बहुत बड़ा मैच है, और अभी थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्टेड भी हूँ क्योंकि थोड़े से कुछ और काम में मैं उलझ भी गई थी, तो भाई थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, दिमाग दोबारा से डालना पड़ेगा दोनों टीम्स में, और फिर मैं कल रिकॉर्डेड वीडियो तक दोपहर तक सबको बता दूंगा। चलेगा, 38 छक्के लगे हैं इस मैच में जी, विकी ने हमें पहले ही बता दिया था, हमें पहले ही पता चल गया था जी। तो स्कोर जो है मोस्ट रन 549 एवर इन ए T20 मैच, 549 रन बने इस मैच में, जो अलग लेवल का रिकॉर्ड है, हिस्ट्री अलग बन रही है, सिक्सेस की तो अलग है जो बताया था, 549 रन T20 मतलब 40 ओवर में भाई, कौन सोच सकता था 40 ओवर में 550 रन ठुक जाएंगे जी। बिल्कुल, तो भाई यूसुफ जी कह रहे काव्या मैडम गुड स्माइल फेस टुडे जी, बट काव्या मैडम की भी थोड़ी सी हालत टाइट हो गई होगी, डीके मार रहे थे, बीके मार रहे थे, आज तो फैफ भी मार रहे थे, तो भाई अच्छी बात है, बट शी इज हैप्पी टुडे। दिनेश कार्तिक पार्टी स्पॉइल्स 18 ओवर नटराजन ब्रेक्स दिनेश कार्तिक विकेट गुड मैच जी, बहुत ही अच्छा मैच था। समीर कह रहे एक जमाना था आरसीबी की बैटिंग हाईएस्ट रन बनाती थी और बॉलिंग में नहीं बनाती थी, तो आरसीबी की बैटिंग यार अगर रिकॉर्डेड वीडियो में मैंने बोला था इतनी क्रिटिसिज्म की मैंने को ज्यादा ही कर दी, 2 नंबर दिए थे मैंने इनको 10 में से, तो सही निकल गया। फर्गुसन ले आओ, आप किसको भी ले आओ, इन्होंने पिटना ही पिटना है और कोई रास्ता ही नहीं है। एक बड़ी अच्छी सजेशन थी आई थिंक आयुष जी ने दी थी एंड विकी ने दी थी अभी पहले यू नो लाइव स्टार्ट होने से पहले कि ग्राउंड चेंज करना पड़ेगा या पिच चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और इतना गंदे बॉलर्स है, पता नहीं चेन्नई जैसी पिच या लखनऊ जैसी पिच बना। यार देखो शिवानी मैं आपको बता दूं, फॉर जो हम जहां मैच खेलने जाते हैं ना वहां पे भाई पहले तो 80 प्लस की बाउंड्री होती थी, फिर जो दूसरे अदर ग्राउंड में जाते हैं वहां 70 के आसपास की बाउंड्री होती है, समझ लो 70 मीटर या 65 मीटर में क्राउड में बोल जा रही है 65 मीटर में, तो इतनी छोटी बाउंड्री रखोगे तो ऑब्वियसली रन ज्यादा बनेंगे, ये इंटरटेनमेंट का डोज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने को तो ये कह सकते हैं कि भाई छोटी बाउंड्री सिर्फ एक टीम के लिए तो नहीं है, दूसरी टीम के लिए भी तो है ना, दूसरे बॉलर भी है वो भी तो बचा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो बाउंड्री चाहे जैसी भी हो यार खेल में इंप्रूवमेंट है। तो मनीष जी ने कह दिया नहीं लेकिन बॉलर के लिए भी पिच बनानी चाहिए, ये बात तो मैं इनकी मान मैं 100% मनीष जी ये आपने बहुत ही इंटेलिजेंट वाली बात की है, मतलब मनीष जब इंटेलिजेंट बातें करते हैं तो मेरा दिल खुश हो जाता है क्योंकि 15 साल का है छोटा सा, तो जब ये इंडिया में आ जाता तो अच्छी बातें कर लेता, पड़ोसी मुल्क में बैठ के चला जाता। नहीं नहीं अभी तो ये सिडनी घूमने गया था पीछे, मनीष जी बहुत अच्छा मैसेज है। देखो पिछले साल तक तो थी चेन्नई की थी लखनऊ की थी, इस बार वो लखनऊ की पिचेस भी बदल दी है, चेन्नई की फिर भी अभी है, लेकिन कल मुंबई की पिच भी थोड़ी सी ऐसी थी जहां मुझे लग रहा था थोड़ा सा बॉलर को फायदा मिलेगा, उतना नहीं मिला बट फिर भी मिला। लेकिन ऐसी यार देखो बॉलर्स को कुछ तो देना पड़ेगा, स्पेशली स्पिनर को, तो एशिया में मैच ग्राउंड भी बहुत छोटा है ना, प्रॉब्लम ये है कि एक तो फट्टा पिच है ऊपर से ग्राउंड छोटा है तो रन तो लगने हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी फॉर अ हाई स्कोरिंग मैच है यहाँ जो हो गया है। एंड नीचे समीर का बहुत अच्छा मैसेज है, मैं एक बारी पढ़ देती हूँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई मुंबई एंड आरसीबी ने बहुत अच्छी फाइट दी है दोनों मैचेस में, अगर एसआरएच हाई मार्जिन से 100 रन के मार्जिन से दोनों से जीत जाती तो भाई नेट रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो भाई नेट रन रेट बचा दिया इन्होंने, बहुत अच्छी फाइट देके मैच क्लोज लेके जाके, एंड ये मैसेज भी अच्छा है समीर का एंड ये बात ट्रू भी है, तो भाई गुगली पे आउट हो गए ये दोबारा से विराट कोहली एंड देखो एक तो प्रेशर बहुत था वहां पे यार, प्रेशर तो नहीं, नहीं आप बात समझो ना यार शिवानी, वहां पे अगर प्रेशर नहीं होता ना बोर्ड का तो एक दो बॉल बंदा देखता है रीड करता है बॉलर को फिर खेल सकता है, यहाँ पे पावर प्ले खत्म होता पहली बॉल थी, रीड करने का टाइम ही नहीं मिला उसको, प्रेशर इतना था कि मारना ही मारना है, वो मिस हो गई, हो जाती है इंसान है गलती हो जाती है। दूसरी बात एक मैसेज हो रहा है इस चीज में ऐसे में कि आप 270 प्लस के स्कोर बना करके भी सेफ नहीं हो भाई, कि सामने वाली टीम वो भी ठोक रही है, तो अब सेफ स्कोर क्या है ऐसी पिचेस पे, मुझे लगता है कोई भी सेफ स्कोर नहीं है, आप जितना अच्छा खेलते हो सामने वाली टीम उससे ज्यादा अच्छा खेल गई तो आपके लग गए जी। बिल्कुल, तो सिद्धार्थ आ गए हैं
और काव्या मरन के सगे चाचा जो है वो डीएमके में है, तो भाई काव्या मरन के फादर है, सन टीवी चलाते हैं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री, तो भाई कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, सन टीवी के आप ओनर है, उनकी कंपनी है, एंड ऑब्वियसली कोई ना कोई पॉलिटिशियन तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, तो वो डीएमके के मेंबर है, ऑलराइट. तो समीर कह रहे वाइल चेजिंग हाईएस्ट स्कोर इन आईपीएल आरसीबी 262, लोएस्ट स्कोर इन आईपीएल आरसीबी 49, Both belongs to RCB. जी देखिए किसी ने मुझसे पूछा था RCB कितना बनाएगी, तो मैंने कहा 48 ही ना बना दे, तो भाई वो हुआ नहीं. एंड यू नो बहुत ही अच्छी इन्होंने फाइट दी है. RCB वो बता सकता है, वो मैक्स बचा सकता है, वो मैक्सवेल था. देखो मैक्सवेल ऐसा फ्रीक प्लेयर है जो मैच टर्न कर सकता है, बट उनको अभी इंजरी हुई हुई है मनीष, तो अभी कुछ हो नहीं सकता है. सो आई विल कम डाउन. RCB while chasing 200s in IPL one time lost 16 times. 200 chase करने में 16 बारी हार चुके हैं. चेज मास्टर के साथ भी, या चेज मास्टर अकेले तो ना जिताएगा भाई. चेज मास्टर के लिए आज देखो, अगर विराट कोहली खड़ा होता ना एक साइड में, फैब पहले आउट हो चुका था, विराट कोहली खड़ा होता ना और दिनेश कार्तिक ऐसे ही नहीं खेल जाता, ये चेज कर लेते, लिख के ले लो चेज कर लेते. लेकिन वो इतना प्रेशर था उसमें विराट कोहली अपनी देखो अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट खेला, 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेला, 20 बॉल 42 रन, समझ रहे हो. तो ऐसे में मेरा मानना है कि हर बॉल पे आपको हिट करना होता है, फर्स्ट बॉल से 120 बॉल तो टोटल होती है, आपसे गलती होने के चांसेस होते हैं यार, और वो गलती अगर हाथ में चली जाए तो आप उसकी भरपाई नहीं होती. जी बिल्कुल. तो भाई समीर ने मोस्ट 100 कंसीडेड जो है इन एन आईपीएल मैच उसमें बता दिया है, मोस्ट रन कंसीडेड बोथ रिकॉर्ड्स बार बार मुंबई इंडियंस नाउ बिलोंग टू आरसीबी, मोस्ट 100 कंसीडेड एंड मोस्ट रन कंसीडेड इन एन आईपीएल मैच. ऑल राइट, 300 बन रहे एसआरएच वर्सेज आरसीबी में इन हैदराबाद, 300 बन रहा है, 300 तो नहीं बना ना अभी एसआरएच, अच्छा इन हैदराबाद, ओके जब हैदराबाद में मैच होगा तो वही तब देखेंगे सागनिक, बट यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि भाई ट्रैविस हेड और अगर क्रिश आपने उस टाइम देखा था ट्रैविस हेड का फेस जो था ना, जो वो मार रहे थे 70s 80s में एकदम लाल लाल हो गया था, एकदम मार मार के उसके हालत टाइट हो गई थी. तो इनफैक्ट क्लासिन का भी वही हाल था, लेकिन रुक नहीं रहे थे, मार फिर भी रहे थे गंदे गंदे. एक ही अवार्ड मैंने देखा अभी तक शायद वो जो उनको मिला था समद को, अब्दुल समद को, बाकी सारे तो ट्रेविस हेड ले गए हैं. पैट कमिंस काफी खुश है क्योंकि देखो एज अ कैप्टन सक्सेसफुल कैप्टन है. जी जी बिल्कुल. तो भाई सिद्धार्थ कह रहे हैं लाइक द वीडियो, थैंक यू सिद्धार्थ. एंड विशाल जी आपको कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं. विशाल जी हम हार गए यार, कल थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा, मैं तो 3 मैच हार गई, ध्यान पता नहीं आज कहां है, बिल्कुल मैच में नहीं आजकल लग रहा है, पर कल जो है मैं आज रात भर स्टडी करूंगी और दोनों टीम गूगल मास्टर खोल देगी. तो दोस्तों आप सब ये सोच रहे हो क्रिस की लगातार प्रिडिक्शन सही जा रही है ना, 3-3, तो क्रिस भाई को फॉलो करते हैं, बट कल बारी इनकी है. तो अगर ये अभी बता देते कौन सी टीम है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा राहत की सांस लेता, लेकिन कोई बात नहीं, कल का इंतजार नहीं, कल का इंतजार होगा. मैं अपने माइंड को बिल्कुल फोकस करूंगी और फिर मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो में बताऊंगी. चलो मैं टिकट की तरफ देखता हूं और इस बहाने आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेंगे. बात है यार, देखो ये भी बात है टाइम. चलो एनीवे क्या ही बोले. तो आईपीएल टीम्स टू कंसीड मोर सेंचुरीज इन आरसीबी 13, आरसीबी 13, एमआई 12, केकेआर 11, एसआरएच 10, तो सारे रिकॉर्ड पढ़ सकते हैं, समीर जी ने हमें दिया है, थैंक यू समीर जी. विशाल कह रहे हैं शिवानी मैम एसआरएच की टीम हर कम मार्जिन से मैच जीत रही है, 275-21 जीत गए, इनकी बोलिंग वर्ड को लाइटली लेती है. जी देखिए बैटर्स का ये सीजन जा रहा है आईपीएल का, जैसे अभी विकी ने बताया कि 250 जो है 4 बारी क्रॉस हो चुके हैं और एक तो मुंबई का 246 भी लग गया था, वो भी ऑलमोस्ट आप मान ही लीजिए. तो बैटर्स का सीजन ज्यादा जा रहा है. देखिए ऐसी नौबत आ गई, सिराज को ड्रॉप करना पड़ गया और वो तो हमारा मतलब फर्स्ट लाइन बॉलर है. लाइक यू नो दो सीमर्स अगर हम प्लेइंग 11 में सिलेक्ट करते हैं तो उसमें हम सिराज को सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज शमी तो इंजर्ड है. तो भाई ये काफी मेरे को आज सरप्राइजिंग चीज लगी है एंड टीम इंडिया के लिए अच्छी न्यूज नहीं है, क्योंकि सिराज अगर नहीं फॉर्म में है तो कौन आएंगे, फ्रेंचाइजी अगर उनको नहीं भरोसा देंगे तो वो इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. यार देखो एक तो बात ये है, यहाँ छोटी बाउंड्री है बाहर बड़ी बाउंड्री है, बड़ी बाउंड्री पर सिराज वैसे भी अच्छी बॉलिंग कर लेंगे एक बात है, दूसरी बात लेकिन छोटी बाउंड्री यार सिर्फ सिराज के लिए तो नहीं, बुमराह के लिए भी है ना, इन्हीं बाउंड्रीज पे इसी माहौल में
जसप्रीत बुमराह अभी भी अलग लेवल की बॉल डाल रहे हैं। हालांकि हर खिलाड़ी पिट रहा है इसमें, हर बॉलर पिट रहे हैं, हर कंट्री के बॉलर पिट रहे हैं, लेकिन एक बुमराह है अभी तक ऐसे जो पिटे नहीं है। जी सागनिक, तुम्हारे पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, नीचे टिकर अपडेट हो चुका है यार, वो तो मेरे पे इतना प्रेशर होता है, जैसे मैच खत्म होता है वैसे ही टिकर अपडेट करो। मैंने टिकर अपडेट कर दिया, तुम्हारे पॉइंट्स अपडेट हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं इतना मारा है मेरे को डबल पॉइंट्स मिलने चाहिए। और विराट कोहली ने मारा, मेरा कैप्टन था, आरसीबी ने भी मारा है, डीके ने भी मारा है, तो भाई ऐसे नहीं होता। जी, सबको डबल मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक पॉइंट यहाँ मिल गया, दूसरा पॉइंट अपना जो पीना पी लो, जिसको फ्रूटी पीनी है, माजा पीनी है, कुछ और पीना है, नींबू पानी पीना है, नारियल पानी पीना, पियो यार, एक पॉइंट वहां के लिए। सागने कह रहे हैं विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 200 था। जी बिल्कुल, आज अच्छा खेल रहे थे यार, लेकिन वो गुगली में आउट हो गए, थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गई थी मैं, थोड़ा लंबा और खेलना चाहिए था, यू नो उनसे रिक्वायरमेंट थी आज जीतने के लिए, बट चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ T20 क्रिकेट। दयाल एंड फर्गुसन ओवर 50, टॉपले व्यासक एंड भूवी 60, नंकट जस्ट ओवर 18 एंड ओवर, नटराजन द सेकंड लीस्ट एक्सपेंसिव, कमिंस द बेस्ट ऑफ लॉट, एक्सट्रीम बोलिंग बिलीव इट और नॉट। जी बिल्कुल, आज तो सारे बहुत बुरा पिट गए, एंड देखिए इस तरीके के ग्राउंड्स होंगे तो मुझे नहीं लगता आरसीबी को ये सजेशन सही है, अपना ग्राउंड चेंज कर देना चाहिए। भैया कुछ भी कर लो, बैटिंग पिचेस बनाओगे तो ऐसा ही होगा, जब तक बॉलिंग, यही बॉलिंग पिच दे दो ना आप, टर्न होने लग जाए, स्विंग होने लग जाए, फट जाएगी बैट्समैन की, मैं कह रहा हूं फट के, कहते हैं ना धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया जाएगा, ऐसे कर देंगे बॉलर, लेकिन वो चीज उनको दी नहीं जा रही है, जाहिर सी बात है, जब तक मिलेगी नहीं तब तक तो ऐसा ही रहेगा। एनीवे, उम्मीद करते हैं चिपोक की जो पिचेस है वहां पे आपको बॉलर को के लिए राहत मिल जाए, लेकिन बहुत कम होता है। काव्या जी बहुत खुश थी, शिवानी काफी खुश है, मैं लेता हूँ अलविदा, कल मेरा फास्ट है तो मैं कल इनकी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो टीम सिलेक्ट करेगी दूसरी टीम मेरी वो होगी, तो मुझे भी तंत्र मंत्र समीर वाले लगाने पड़ेंगे भैया, क्या करे आजकल तो तंत्र मंत्र का काम चल जाता है। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को। जी ओके, थैंक यू क्रिश। चलिए गाइस, हम फटाफट मैसेजेस खत्म करेंगे, आज थोड़ा सा एक्चुअली मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, मैं थोड़े और काम में बिजी थी, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से मैसेजेस लूंगी, आई वुड वांट टू गो अर्लियर, कुछ कुछ छोड़ के, काम छोड़ के मैं आई हूँ। तो समीर कह रहे हैं आरसीबी लॉस्ट टू ट्रैविस हेड एंड पैट कमिंस, क्लासन का भी नाम बीच में थोड़ा डाल दीजिए, इनके बोलर्स का भी नाम डाल दीजिए। तो यूसुफ जी कह रहे हैं व्हेन डैनी मॉर्सन कमेंट्री आज टॉस आरसीबी कैप्टन, ही सेड वी विल चेज 200 इन, जी 200 होता तो वो चेज करके जीत भी जाते, लेकिन 288 यार बहुत आउट ऑफ रीच हो गया था यूसुफ जी, मतलब ऐसा तो यार ऑलमोस्ट देखिए पहुंच भी गए, 262 में पहुंच भी गए, लेकिन 288 यार कुछ बहुत ही सुपर ह्यूमन एफर्ट, जैसे ट्रैविस हेड का सुपर ह्यूमन एफर्ट था, इस तरीके का एफर्ट चाहिए था, समबडी फ्रॉम द टॉप, पैफ या विराट या यू नो एक बंदा, विल जैक्स भी हो सकते थे, मैक्सवेल की जरूरत थी इस टाइप ऑफ चेज के लिए, तो इस टाइप के प्लेयर्स ऐसा जो है वो कुछ कर सकते हैं। मनीष कह रहे हैं सर कैलकटा को सपोर्ट करना फिर मेरा राजस्थान जीत पाएगा। अरे मनीष भाई आजकल तो आपके सर जीत रहे हैं, 3 मैच मेरे से कंटिन्यूअसली जीत चुके हैं, तो भाई देख लो आप क्या विश कर रहे हो। आपको पता है क्लासन ट्रैविस हेड सभी आरसीबी में थे पहले, जी जी मेरे को पता है, दे वर नॉट यूज्ड प्रॉपरली, मतलब करेक्टली उन्हें यूज नहीं किया गया था, मेरे को डेफिनेटली ये बात पता है, थैंक यू सागनिक का, ये मैंने ले लिया। मैक्सवेल होता तो 24/60, नहीं यार मैक्सवेल कर सकता था, नहीं मैक्सवेल मार सकता था। महेंद्र जी कह रहे हैं कृष भाई, महेंद्र जी आपका वेलकम है, कृष भाई तो चले गए। कृष भाई क्या मुंबई बैंगलोर जैसे ग्राउंड को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मैच बोर हो जाता है, क्या पता चले हर बॉल 6 है। देखिए बैन तो कर नहीं सकते, देखिए वानखेड़े को बहुत मेन ग्राउंड माना जाता है हमारी पूरी कंट्री का, चिन्ना स्वामी भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, बैन तो नहीं हो सकता, बट ये जरूर हो सकता है कि अपने ग्राउंड जो है वो चेंज कर ले, होम ग्राउंड चेंज कर ले, थोड़ी टफ पिचेस बनाए, थोड़े ऐसे बोलर्स ले जो यू नो टफ पिच के बोलर्स हों, जैसे चेन्नई बनाता है या लखनऊ बनाता है, तो बैन तो नहीं कर सकते, बट यहाँ कम मैचेस रखे ये देख सकते हैं। सेफ स्कोर अब 300 है, यस ये बात सही है, 108 मीटर्स का 638 इयर्स प्लेयर ने, ये है पावर। जी विशाल जी लंबे लंबे छक्के लगे आज दोनों तरफ से लगे, लेकिन डीके का एक बहुत ही बड़ा सिक्स था, बोथ टीम्स एसआरएच एंड आरसीबी गुड फाइट। जी बिल्कुल,
यूसुफ जी आप जीत गए, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैक्स का टॉप स्कोर आईपीएल 24 रन्स। जी जी अभी तो पुअर फॉर्म चल रही है, लेकिन देखिए मैक्सवेल इज मैक्सवेल, ही इज अ जीनियस, ही इज अ फ्रीक एंड ही इज अ जीनियस। सो भाई वो कुछ भी कर सकता है, उसका कुछ नहीं है, वो जीरो पे भी आउट हो सकता है, वो 100 भी बना सकता है। तो मैक्सवेल को कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। 55 मीटर की बाउंड्री है यार, तो ये भी सिक्स लगा सकता है। महेंद्र जी देखिए, बट बॉलर्स भी यू नो बॉलिंग डालते हैं, उनको मारना भी मुश्किल होता है। देखिए विराट कोहली गुगली में आउट हो गए, तो अगर आप चतुराई से बॉलिंग डालेंगे, अपनी करेक्ट लाइंस रखेंगे, तो मारना तो डिफिकल्ट भी हो सकता है। वर्स्ट टीम सिलेक्शन, वर्स्ट टीम मैनेजमेंट, जी साग ने कहा अग्री विद यू, काफी पुअर सिलेक्शन है। 20 प्लेयर ये यूज कर चुके हैं अभी तक यू नो अपने मैचेस में, विच इज रियली रियली पैथेटिक। तीन डक्स आ गए जी मैक्सवेल के सिक्स मैचेस में, यू आर राइट। अगर पाकिस्तान की बॉर्डर आईपीएल मैच, तो फिर कौन सीएसके जीरो ऑल आउट कर दे। अच्छा ओके, सो आरसीबी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है एबीडी, पर वो अब रिटायर हो गए हैं, तो अब तो दूसरा बड़ा खिलाड़ी चुनना होगा। डीके को जल्दी भेजना पतिदार की जगह पर। देखिए डीके फिनिशर का रोल करते हैं, तो अब क्या पता ऊपर एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज जिस तरीके से खेले हैं, ऊपर वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे, लंबे टाइम के लिए दे पाएंगे कि नहीं, बड़ा मुश्किल है ये बात कहना। सो वी कांट रियली से कि डीके ऊपर आके वही परफॉर्मेंस देंगे जो ये अभी कर रहे हैं। सो ब्रदर दयानिधि मरन एंड डीएमके मेंबर, यस सन टीवी ओनर एंड मव्या मरन ऑल्सो। जी जी बिल्कुल यूसुफ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरी फैमिली जो है बड़ी कनेक्टेड है एंड बहुत ही पावरफुल फैमिली है एंड बहुत ही रिच फैमिली है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ट्रैविस हेड प्रॉपर बैट्समैन, आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक प्ले, यस एब्सोल्युटली। एंड देखिए ही लव्स टू प्ले इन इंडिया, इंडिया में उनको अलग सी फैसिनेशन है। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ कि इतने कम इतने सस्ते में ये चले कैसे गए, बिक कैसे गए। मेरे को तो ये लग रहा था कि बहुत प्राइस लगेगा, जितना ये स्टॉक वॉक का प्राइस लगा था ट्रैविस हेड का 15 करोड़ तक जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं गया। SRH को बहुत ही अच्छे प्राइस पर ट्रैविस हेड मिल गए। Imagine a successful run chase of 300 plus in this IPL. Siddharth, anything can happen because the form that these batters are in, especially SRH ke batters, yaar, matlab 277 lagana and then 287 laga dena ek hi IPL season mein, incredible, absolutely phenomenal. So, Sunrisers Eastern K beat final and win South Africa league match. All right. Ji ji, Kavya Maran jeeti thi Sunrisers mein South Africa league mein. You're right. सागने जी मैं आपका पॉइंट दे चुकी हूँ, आप मैंने टिकट पहले ही अपडेट कर दिया था, आप आराम से सो जाइए। अच्छा कल आपका KKR है सागने, या रिकॉर्डेड वीडियो में लिख देना, एक्चुअली इतने सारे वो हो जाते हैं ना, तो मेरे को ये डर लगा रहता है मैं किसी की प्रेडिक्शन गलत ना लिख दूं, तो रिकॉर्डेड वीडियो के नीचे प्लीज सारे डाल दिया करना। आज वैसे मेरे से समीर जी का मैसेज मिस हो गया, तो वह काफी गुस्सा हो गए थे, तो समीर जी आज थोड़ा सा ना मेरा टेंशन वाला माहौल था, तो मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में बिजी थी, वो मेरा काम अभी हो गया है, लेकिन फिर भी पूरे दिन काफी ज्यादा टेंशन थी, मैंने खाना भी नहीं खाया आज पूरे दिन, सिर्फ 2 कॉफी पी है, तो भाई अब जाके मैं कुछ रिलैक्स हूँ, मेरा काम हो गया, तो अब मैं थोड़ा सा कुछ खा लूंगी, तो सॉरी मैंने आज आपका मैसेज मिस कर दिया, बट मुझे आपकी प्रेडिक्शन मिल गई थी। सो टुमारो आई विल स्टडी KKR, जी बिल्कुल अपडेट कम, जी बिल्कुल आप स्टडी करके आप मुझे बताना। सागनिक पॉइंट्स दे दिया, जी जी सागनिक को पॉइंट्स दे दिए हैं। सागनिक कह रहे हैं ट्रैविस हेड बिग बैच प्लेयर, कैन टर्न एनी मैच फ्रॉम एनी सिचुएशन, बिग हिटर ऑफ द बॉल, ग्रेट टाइमिंग, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट इन ऑल दीज थिंग्स, ट्रैविस हेड इज अ मास्टर क्लास। लेकिन ये इंडिया में और इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा चलते हैं, बाहर इनको कभी कभी ये फेल हो जाते हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा डबल नहीं देती। आयुष कह रहे हैं सिराज में फॉर्म में नहीं है, उसे मत खिलाओ, कमिंस सबसे बड़ा बॉलर है। जी देखिए बट ऐसा नहीं है, सिराज हैज टू कम बैक इन फॉर्म, कोई और ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वर्ल्ड कप आ रहा है, तो खिला के ही बंदा फॉर्म में आएगा, बाहर बिठा के कभी वो फॉर्म में वापस नहीं आ सकता, सिराज को खेलना पड़ेगा चाहे जो भी हो। ईडन गार्डन्स के होम ग्राउंड है एंड स्ट्रॉन्ग बैटिंग एंड बोलिंग है। जी बिल्कुल यूसुफ जी, आपको भी और मुझे भी सिलेक्ट करना पड़ेगा सोच समझ के, क्योंकि मैं तो भाई 3 मैच हार चुकी हूँ। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट आरसीबी टू बोल सो प्योरली, बट हैदराबाद बोलिंग इज बिग वीकनेस, फास्ट बोलर शुड बी प्ले प्लेस ऑफ मार्क्रम। नहीं मार्क्रम देखिए वैसे तो ऑलराउंडर है, बट बीच में 4 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है वो, एंड ही इज अ वेरी टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन, एक्सिलरेट भी कर सकते हैं, स्लो भी खेल सकते हैं, जो उनसे डिमांड है वो कर सकते हैं। तो मार्क्रम तो यार बिठाना बाहर थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं अगर कोई चेंजेस होते हैं इनकी में, तो लेट्स सी।
सो जय श्री राम जी, हम हार गए वैसे आज. आप मेरे साथ थे. सीएसके टीम क्या हो, कैसे हो मुकेश अंबानी, पूरे चेन्नई को करिए. मनीष जी, चेन्नई को कोई नहीं खरीद सकता, ठीक है, वो इंडिया की प्रॉपर्टी है, मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी नहीं है. आयुष कह रहे हैं काला फॉर अ रीजन, जल्दी होगा, मेरा स्ट्रीक चालू हो गया है. जी बिल्कुल आयुष जी, आप तो फुल ऑन विनिंग स्ट्रीक में चल रहे हैं, तो आप आज थाला फॉर अ रीजन हो चुका है आपका. आज आपको 7 पॉइंट्स मिल चुके हैं, तो आप ऑलरेडी थाला फॉर अ रीजन हो गए. दीदी मेरा एक दोस्त आरसीबी का फैन है, उसको लाइव सपोर्ट. ओह शिट यार, लेकिन फिर भी आज अपनी इज्जत बता ली है आरसीबी ने. आप अपने दोस्त को समझाइए दैट फिर भी आज अपनी उन्होंने रेपुटेशन जो है सेव कर लिया, बहुत ही अच्छा फाइट बैक किया. पॉइंट्स नहीं मिले कोई बात नहीं, बट यू नो दे प्लेड वेरी वेरी वेल. जी जी बिल्कुल, क्रिश भाई खुश है. जी हजरत क्रिश भाई तो पीते नहीं है आपके, वो तो बिल्कुल ही साफ यू नो सिर्फ हेल्दी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं. गुड ऐसा रिच मैच बिल्कुल. मनीष कह रहे हैं हरभजन सिंह का दिमाग ठीक नहीं है. मोहम्मद सिराज, उन्होंने शाहिद अफरीदी कहा बॉलर बताया. मोहम्मद सिराज तो मुझे शाहीन अफरीदी. यार मनीष आप फिर से यू नो पड़ोसी मुल्क पहुंच गए, आप वापस आइए एंड वापस इधर आके बैठ जाइए. तो भाई थोड़ा सा मैं यार नीचे आ जाती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा मैसेजेस हो गए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा ना मुझे जल्दी जाना है. तो एक बात अच्छी लगी, मैच 11:15 खत्म हो गया. जी इतना हाई स्कोरिंग मैच था, फिर भी देखिए समीर जल्दी मैच खत्म हो गया, टाइम से मैच खत्म हो गया. एक्सपेक्टेड नहीं था, जब बाहर ज्यादा बॉल्स जाती हैं तब लंबा हो जाता है मैच, लेकिन आज जो है टाइम से खत्म हो गया. सो एनीवे एसआरएच भी घटिया बॉलिंग है 250. जी आज बहुत सारा पिट गए. सो भाई कल आर अरविंद, जय श्री राम जी, आप मुझे वीडियो में या ट्विटर में भेज देना. वैसे मैं सबका जो है नोट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी गलती ना हो जाए तो उस मैच वाले दिन में आप मुझे जरूर भेज देना. ग्लेन मैक्सवेल मिस मैच, एंड सिराज जी बिल्कुल दोनों बाहर थे आउट ऑफ फॉर इंजरी. हाई स्कोर बाय एन इंडियन एट द एज ऑफ 38, 83 डीके वर्सेज एसआरएच, रिद्धिमान साहा एंड जो है सचिन तेंदुलकर. तो भाई थैंक यू समीर जी, बहुत अच्छा आपका मैसेज था. एंड भाई डीके जी आज के इनिंग्स के वजह से जो है नंबर वन पोजीशन पे आ गए. तो दीदी 60-24 जी सागनिक, दिस इज राइट नाउ. लास्ट टाइम आपने थोड़ा सा उल्टा लिखा था, आई थिंक वो गलती से लिख लिया था, बट यू आर राइट. अगर मैक्सवेल होता तो इतना जो स्कोर है शायद इतना बन जाता. सो मेरा दोस्त ओवर कॉन्फिडेंट है, वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के चांस नहीं है. मैं बोला ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. अच्छा चलिए वर्ल्ड कप आएगा, अभी टीम आने दीजिए एंड फिर हम देखेंगे कि क्या होता है वर्ल्ड कप में. तो भाई थोड़ा सा मैं नीचे आ जाती हूँ, महेंद्र जी का मैसेज ले लेती हूँ. गाइज मैं थोड़े से मैसेजेस स्किप करूंगी आज, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे जल्दी निकलना है, मेरा कुछ काम है जरूरी. एंड अभी जो है बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो भाई मैं थोड़े मैसेजेस मैं स्किप करूंगी एंड थोड़े आप मैसेजेस पे ब्रेक भी लगा लीजिए. सो महेंद्र जी कह रहे हैं बैंगलोर को छोटे ग्राउंड में विराट कोहली बहुत बढ़िया खेलता है, खूब रन बनाता है, पर उसे छोटे ग्राउंड पर दूसरे टीम के बैट्समैन कोहली से ज्यादा रन बनाते हैं. जी देखिए छोटा ग्राउंड होगा महेंद्र जी, हम वही बात कर रहे थे, शायद आप उस टाइम आए नहीं थे. छोटा ग्राउंड, फ्लैट विकेट, तो बहुत सारे रन तो बनने ही है. बैट्समैन की जो स्किल है वो इस टाइप ऑफ ग्राउंड में जो है वो टेस्ट नहीं होती है. एंड ये तो इनका होम ग्राउंड है, हर बंदा आके, एक एवरेज बैट्समैन भी आके इनको मार देता है, और बोलर्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर है. तो भाई तभी हम कह रहे थे कि मे बी अगर ग्राउंड चेंज करें तो शायद कुछ बेनिफिट हो सके और बॉलर्स भी अच्छे लें, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है. वो छक्का दिए गए का आरसीबी के बॉलर्स. अच्छा ठीक है ठीक है, गुड नाइट विकी, टेक केयर, गुड नाइट. चलिए थोड़ा सा मैं नीचे लेती हूँ. सिद्धार्थ कह रहे हैं दयानिधि मरन इज अ टफ स्पॉट इन चेन्नई सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी, विनोद इज गिविंग हिम एक्सट्रीमली टफ 5 पोल्स अकॉर्डिंग टू. अच्छा ऑल राइट सिद्धार्थ जी, तो आप फुल ऑन पॉलिटिक्स की आप डिस्कशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अच्छी बात है. मिस यू एबीडी सर, जय श्री राम जी कह रहे हैं. जी बिल्कुल काव्या मरन खुश है. जी एब्सोल्युटली आयुष जी. समीर जी कह रहे हैं डीके इज द राइट कैंडिडेट फॉर वर्ल्ड कप बट दे विल चूज राजा, नहीं केएल राहुल को तो नहीं चूज करेंगे, डीके को भी शायद चूज नहीं करेंगे, ऋषभ पंत या ईशान किशन ही जाएंगे. आई डोंट थिंक, मतलब अगर ये हर मैच ऐसा खेले तो बात अलग है, बट आई डोंट थिंक डीके चूज होंगे. टकले को
छोड़ के सीएसके को ये लेना जी जी बिल्कुल। तो भाव साहब जी कह रहे हैं एमआई को पांडू ने लुटा के सीएसके में का एमआई हारा वहां पांडू ने लास्ट ओवर। जी जी बिल्कुल सारे यही कह रहे हैं, बिकॉज पांड्या ने एक स्टेटमेंट दी थी बहुत टाइम पहले कि आई वुडंट माइंड लूजिंग टू एमएस धोनी, जब ये फाइनल हारे थे सीएसके से। तो ऐसा कह रहे हैं कि ये हीरो वर्शिप करता है और धोनी से माइंड नहीं करता ये हारने के लिए। तो भाई कल का मैच में ये कर क्या रहा था, तो काफी ज्यादा लोग जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं। SRH सिर्फ CSK को हरा सकता है, चलिए विल सी दैट मैच, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। कोटा में स्टेडियम क्यों नहीं बनना, तो भाई मनीष आपने तो मुंबई या गुड़गांव आना है, आपको कोटा में थोड़ी ट्रेनिंग करनी है, आप फटाफट अपनी एजुकेशन करिए और फिर ग्राउंड में आ जाइए, मुंबई चले जाइए या गुड़गांव आ जाइए या दिल्ली आ जाइए। तो आप जोधपुर चले गए क्या, वहां पर स्टेडियम है? अच्छा नहीं, मैं जोधपुर नहीं गई हूँ, मैं उदयपुर गई हूँ, मैं अजमेर गई हूँ, जयपुर गई हूँ, कोटा में भी आ चुकी हूँ, तो बट मैं जोधपुर नहीं गई हूँ अभी तक। सो एनीवे, ट्रेविस हेड इंग्लिश में भी चला था, इंग्लैंड में भी चला था वर्ल्ड कप में, इंडिया के अगेंस्ट ICC ट्रॉफी में हमेशा चलता है, रिटायर नहीं होगा तब तक, कुछ नहीं होगा, चलिए लेट्स सी। सो एनीवे I'll come down. RCB's next two matches are against KKR and same SRH. Oh, Sameer ji, ये तो आपने खतरनाक news दे दी है। तो भाई KKR शायद RCB तो भाई कुछ नहीं होगा, दोबारा से SRH का अच्छा मैच होगा, बट RCB से मुझे कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं frankly, तो let's see। टोपले को मारो रात भर। यार बहुत पिट गए कुछ बोलर्स दो। तो मैं आप IPL में नई टीम खरीद लो जी, मनीष आप बस मेरे साथ लगे रहो ठीक है, हम पहले करोड़ों बनाएंगे फिर हम कट्ठे मिलके IPL की एक टीम खरीदेंगे, आप चिंता मत करो, हरियाणा की टीम यहीं से आने वाली है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाली बात, हरियाणा की टीम यहीं से आने वाली है। सिद्धार्थ सिंह, देर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर एपथी अगेंस्ट डी मरन, लाइक स्लगिज पेस ऑफ चेन्नई मेट्रो रेल, ट्रैफिक कंजेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर एंड ड्रेनेज इश्यूज। ऑल राइट सिद्धार्थ जी, थैंक यू फॉर दैट अपडेट। एक्चुअली सिद्धार्थ, आई एम नॉट टू इनटू पॉलिटिक्स, मुझे ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का मैं देखती हूँ, बिकॉज पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है एंड इतना ज्यादा मैं अपनी लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करती नहीं हूँ, आई लाइक टू टेक इट प्लेन एंड सिंपल, आई वर्क, आई एंजॉय क्रिकेट एंड आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, आई लुक आफ्टर माई फैमिली, माई पेरेंट्स। तो भाई जहां चीजें कॉम्प्लिकेट होने लग जाती है और टेंशन का माहौल आ जाता है, वहां से मैं एक पतली गली से निकल जाती हूँ और पॉलिटिक्स तो बड़ी टेंशन का बॉल है। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर दैट अपडेट। 250 होते तो भी चेज था, जी जी 280 बिकेम अ बिट टू मच। तो अमित जी आप बीच में क्या लिख रहे हैं, आपके वजह से मुझे बाकी मैसेजेस वो करने पड़ रहे हैं स्किप, तो मैं आपको जो है बैन यूजर में डाल देती हूँ, क्योंकि आप मेरी कोई बात सुनते नहीं है, मैं रोज आपको बैन कर देती हूँ यहाँ से। तो एनीवे, तो भाई इनको मैंने बैन कर दिया एंड सडनली जो है स्ट्रीम हमारी वो क्लीन हो गई है। सो एनीवे, अब मैं, लेकिन मैं कहाँ थी वो तो मैं भूल गई, अच्छा ठीक है। सो सिराज मार खा के निराज बन गया, मैंने वर्ल्ड कप को गिव अप कर दिया आज ट्रैवल। नहीं नहीं आयुष जी, डोंट लूज होप, अभी देखना हमारे इंडियन प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे वर्ल्ड कप में। विकी भाई आप मुझे सोने को क्यों बोलते हो? तो भाई मनीष तुम विकी से कनेक्ट करो, हम चैनल प्रमोशन करेंगे ठीक है। तो भाई विकी बहुत मेहनत करता है हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए और उसे 2-4 और चाहिए लोग जो हम ग्रुप बना के चैनल को प्रमोट करेंगे। तो भाई विकी को कॉन्टेक्ट करो इंस्टाग्राम में ठीक है। यूसुफ जी आप भी करो विकी को कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम में और हम थोड़ा सा चैनल प्रमोशन में थोड़ी बातें करेंगे ठीक है, इंस्टाग्राम में ग्रुप बना के। सो KKR वर्सेस RCB नेक्स्ट मैच ईडन गार्डन्स, गुड नाइट यूसुफ जी, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, आपको बहुत बहुत मुबारक है। सो मैंने डिनर कर लीजिए। नहीं नहीं सिद्धार्थ यार, आई हैड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टूडे, इनफैक्ट काफी टेंशन का माहौल था, तो मैंने सुबह से सिर्फ 2 कॉफीज पी है, अभी जाके मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मेरा काम हो गया। तो भाई इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही थी कि आई वांट टू जस्ट गो एंड ईट समथिंग एंड फ्रेशन माय मूड, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो समीर भाई आप राजस्थान में आ जाओ कोटा में ठीक है, आप मेरे दोस्त नाम लिख दो, मैं बहुत बार यहाँ पर लिखा है
आप मेरे दोस्त का, तो आप एक दोस्त जो है वो चला गया है, आप उसको बहुत याद करते थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, तो आप ही लिख दो. तो सागने के सिंह, व्हेन एवरीवन वाज ओवर कॉन्फिडेंट, इंडिया वाज ब्लीच ऑस्ट्रेलिया, आई न्यू देयर वाज वन ट्रैविस हेड हु कैन टर्न द डाइस. भाई देखिए, मेरे को तो था उम्मीद, फ्रेंकली मैं क्या बताऊं, मुझे लग रहा था इंडिया जीतेगा, 100% जीतेगा, मैं भी सोच रही थी, बट जो फाइनल में हुआ वो तो यार अभी तक उसको देख के कुछ हो जाता है, सोच के तो मैं सोचती नहीं हूँ क्योंकि काफी ज्यादा दुख हो जाता है. तो भाई फाइनल वाज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑजीज, दे विल मेक इट इनटू अनदर फाइनल. ओके सब दीदी. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू. सो मैं आप मैम क्या काम करती हो? अरे मनीष, आपको पता नहीं है मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, मेरी फैक्ट्री है वहां, मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ और साथ साथ में मैं यूट्यूब में भी काम करती हूँ, तो दोनों काम करती हूँ. तो भाई अब मुझे लगा आपको पता होगा, तो मेरी एक ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी, मैं साबुन शैम्पू और ये सब ऐसी ऐसी चीजें बनाती हूँ वहां, और अमेजोन में भी आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो, वरना मैं आपको भेज दूंगी, आप मुझे अपना एड्रेस दे देना. दुजार बिरबान ने क्रिटिसाइज किया 17 ओवर्स में, सिर्फ 17th ओवर पे. या सागनिक, मैंने एक्चुअली लास्ट के 5 ओवर देखे नहीं थे बिकॉज अच्छा ये तो कल है, कल की बात है तुषार देशपांडे की. ओके ओके, तो कल यार, कल का मैच में हमने शायद बात की थी तुषार देशपांडे की, आई एम फॉरगेटिंग, बट अभी तो मुझे कुछ ध्यान आ नहीं रहा है कि, बट आप कह रहे हैं तो भाई, लेकिन वैसे यार वो बड़ा पिटते हैं, एक आध ओवर उन्होंने, एक शार्दुल ठाकुर ने भी मैंने सुना है बड़ा अच्छा एक ओवर कल निकाला था, मुझे मेमोरी में आ तो नहीं रहा है, बट आई थिंक शार्दुल ऑल्सो बोल्ड वन वेरी गुड ओवर, वो भी आई थिंक 16-17 ओवर ही था, तो देशपांडे नहीं था वो, शार्दुल था. सो आई एम कंफ्यूज बिटवीन द टू, सो आई थिंक उसकी काफी अप्रिसिएशन हो रही है. आप चैट कर सकते हैं टुडे एंड फिनिश द स्ट्रीम. नहीं नहीं यार, मैं जल्दी जल्दी आज ले लूंगी, कोई इशू नहीं है, आई विल फिनिश द मैसेजेस. आपने सर को क्या क्यों को एस ए क्यों लगाई? मनीष, मुझे मैसेज आपका समझ नहीं आया, दोबारा से लिखो. लुटा दिया मेरा. विराट्स रिंगटोन सोर्सेस हैव कम. अच्छा ठीक है, ऑल राइट सागनिक, तुम भी ट्रोल कर लो विराट कोहली को. मैं आपने सर से शर्त क्यों लगाई है? हमारे स्कूल में किसी से शर्त नहीं लगानी चाहिए, अच्छी बात नहीं है. अच्छा मनीष जी, मैं मैं स्कूल में नहीं पढ़ती हूँ ना, जब मैं स्कूल में थी तब मैं शर्त नहीं लगाती थी, बट मैंने फिर शर्त लगा दी कि भाई कौन जीतेगा, फिर मैं हार गई, फिर मुझे उनको खाना खिलाना पड़ा, फिर वहां से हमारी दोस्ती हो गई. SRH में धोनी को साइलेंट किया, भूल गया जी. बिल्कुल, CSK को भी हरा सकते हैं, ऑल राइट. तो दिल्ली से गुड़गांव ज्यादा दूर तो नहीं है? नहीं नहीं, पास में ही है, दोनों बॉर्डरिंग ही है, बॉर्डर टच करता है. RCB शुड प्ले मनोज भंडारे, मनोज इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही हिट सिक्सेस एंड फास्ट बोलिंग. यार जय श्री राम जी, इन्होंने सब कुछ तो ट्राई कर दिया, आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग लेफ्ट टू ट्राई. बोलिंग बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी, A to Z बोलिंग इनको अपने बोलर्स फायर करने पड़ेंगे, नए बोलर्स मेगा ऑप्शन में लेने पड़ेंगे, तब कुछ होगा. बोलिंग में इनका बिल्कुल फोकस नहीं है, बस वही बात है, 3-4 स्टार्स को रख लिया और उसी से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है कमा रहे हैं. सो हाँ भाई, 50 rupees में मिल रही है. बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट सिद्धार्थ, टेक केयर. अभी बदला लेगा मेरे पैट कमिंस से, जी बिल्कुल. सो मनीष कह रहे हैं दैट मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आपसे मिलने का मौका जरूर मिलेगा. बिल्कुल मनीष जी, हम आपसे जरूर मिलेंगे, आप जब भी आएंगे हम आपसे जरूर मिलेंगे, और अगर मैं जयपुर के मतलब कोटा के साइड गई तो मैं आपसे भी मिल लूंगी. आमिर आ गए, हेलो दीदी, हाय आमिर, आप थोड़ा लेट हो गए, मैं तो जल्दी से निकलने वाली थी, चलिए कोई बात नहीं, हेलो हाय हो गई वो जरूरी है. एक चीज लग रही है, SRH फॉरेन प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, बाकी जी जी ऑस्ट्रेलियंस एंड साउथ अफ्रीकन्स दोनों अच्छा खेल रहे हैं साउथ यू नो SRH में, एंड दैट इज वेरी गुड साइंस फॉर बोथ द कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है. सो मैं कभी करूंगा चैनल प्रमोशन नेक्स्ट मंथ, अभी बिजी हूँ. ओके सागनिक, आई नो यू आर वेरी यू नो यू आर वेरी स्वीट, और आप हमेशा इनकरेज होते हैं, साथ में देते हैं. सो जैसे हम कुछ स्ट्रेटेजीज बनाएंगे फिर आप फ्री हो जाना, फिर हम आपको भी यू नो हम आपसे भी मेहनत करवाएंगे. तो
एनीवे ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करो, चैंपियंस हैं। जी जी बिल्कुल जी। खानू, यस, आपके दोस्त का नाम खानू था, तो मनीष जी बहुत मिस करते हैं अपने दोस्त को खानू, वो कहीं चले गए हैं एंड बार बार उनका वो नाम भी लिखते थे पहले, आजकल वो लिखते नहीं है, शायद कम मिस करने लग गए। तो 18 तारीख को कराची में बारिश होने के, जी जी बिल्कुल, आज भी प्रैक्टिस सेशन मैंने सुना है कि कैंसिल हो गया था, वहां पाकिस्तान की प्लेयर्स का प्रैक्टिस सेशन था तो वहां बारिश हो रही थी, अब 3 दिन बाद जो है मैच है तब भी बारिश के प्रेडिक्शंस हैं। तो आमिर जी आप थैंक यू, आपने वो अपडेट हमें दिया, एंड आज भी जो प्रैक्टिस सेशन था वो भी कैंसिल हो गया था। तो मनीष, यस, खानू मास, यस यस, ये नाम था, मुझे याद आ गया है। तो खानू जी, मनीष आपको बहुत मिस करते हैं। जब से क्रिकेट देखा है वन साइडेड विदाउट जीरो फाइट हारा है, इंडिया वन साइडेड विदाउट जीरो फाइट हारी है, 19 फाइनल, 22-21 वर्ल्ड कप, फेम्स मेमोरीज। जी यू आर राइट, बट सागनिक मतलब आपने थोड़ा सा रिसेंटली, सो आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ वर्ल्ड कप्स, मैं 96 से देख रही हूँ, तो यू नो आई हैव सीन विक्ट्रीज ऑल्सो, आई हैव सीन विन्स ऑल्सो, एंड उसका जो हाई होता है वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, और अब जो लोज होते हैं वो भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं, तो भाई काफी डिफिकल्ट, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है अगर आपने एक भी वर्ल्ड कप की विन अपने यू नो कॉन्शियस माइंड से, जब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि यार ये कितनी बड़ी बात हो गई है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, उस कॉन्शियस माइंड से अगर आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ये आई नो इट्स वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, एंड वो चीज तो मैं समझ नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, यू नो आई हैव एक्सपीरियंस द 2007 and 2011 वर्ल्ड कप, तो आई कैन अंडरस्टैंड आज के यंगस्टर्स जो है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड होते आते हैं इस चीज को लेके। मुंबई का मैच कब होगा दीदी? तो यार आमिर जी चलिए मैं आपको अभी शेड्यूल देख के बता देती हूँ दैट मुंबई का नेक्स्ट मैच कब होगा। तो भाई पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस है ऑन 18th of April, ठीक है, तो ये मैच होगा 18 तारीख को मुंबई का पंजाब के साथ। वी के मेरा फेवरेट है, उनको ट्रोल करूंगा। जी देखिए कभी कभी प्यार से भी ट्रोलिंग हो जाती है, कभी कभी इतना प्यार होता है कि मन करता है कि थोड़ी बहुत बैशिंग भी कर लो। नहीं नहीं आप नहीं ट्रोल करते, आपके फैक्ट्री है क्या, अमेजोन पे बेचते हो? जी जी बिल्कुल, मेरी वेबसाइट भी है, मेरी फैक्ट्री भी है, और अगर आप इंस्टाग्राम में पूछेंगे तो मैं आपको अपनी कंपनी का नाम भी बताऊंगी। वैसे मेरी कंपनी का नाम है मीराबेल, MIRAHBELLE, तो मीराबेल के नाम से आप अमेजोन पे या गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मेरे रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, जो न्यूज़पेपर्स में मेरी फोटोज भी मिल जाएंगी और मेरे बारे में भी मिल जाएगा। तो अगर आप शिवानी कपूर मीराबेल के नाम से सर्च करते हैं तो आपको काफी ज्यादा जो है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आमिर कह रहे हैं पार्क में गया था क्रिकेट खेलने गया था, ऑल राइट आमिर जी, बड़ा अच्छी बात है। स्वप्निल जी आ रहे हैं सिराज होता तो 300, जी जी बिल्कुल, ये किसी और ने भी कहा था आज स्वप्निल जी, तो वही सिराज होता तो और ठुकाई हो जाती। इंस्टाग्राम इज यूज बाय छिपड़ी पीपल, ट्विटर इज द बेस्ट। ओके जय श्री राम जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बट देखिए ट्विटर का अपना चाम है, इंस्टाग्राम का, फोटोग्राफ्स का अपना चाम है, अलग अलग यूजर बेस है, यू नो जो अलग अलग यूजर्स उसके होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, हर किसी में इतना शार्प माइंड नहीं होता कि वो ट्विटर में यू नो अपडेट्स दे दे, तो वो पिक्चर्स क्लिक करके इंस्टाग्राम में डालते हैं। तो दीदी ऑस्ट्रेलिया इस बार प्रैंक नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है, जी जी बिल्कुल, आपकी फैक्ट्री गुड़गांव में है, जी बिल्कुल, आप गूगल करिएगा मेरे नाम से और मीराबेल के नाम से तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आई विल जॉइन आफ्टर 25 डेज इन योर प्रमोशनल कैंपेन, ऑल राइट सागनिक, दैट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट टू हैव आइडियाज फ्रॉम यू एज वेल, लेट्स सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया। अरे आयुष तुम मेरे से खाओगे थप्पड़, इंडिया को सपोर्ट करो, 10 इयर्स विदाउट अ ट्रॉफी, आईसीटी फैंस आर क्राइंग, यस बिल्कुल एब्सोल्युटली। नहीं मनीष ऐसा कुछ नहीं है, पैसा वैसे का कोई इशू नहीं, ऐसा नहीं है, बट सबको मेहनत करनी पड़ती है, एंड देखो अब तो मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि यार क्रिकेट में मैं कुछ नहीं करती हूँ, तब मैंने यूट्यूब चैनल खोला क्योंकि क्रिकेट के साथ मेरा दिल से प्यार है, तो भाई इसी को मैंने अपना जो मेरे को सबसे ज्यादा चीज पसंद है लाइफ में, और क्रिकेट मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो इसी में मैंने अपना काम भी एक और काम शुरू किया, तो भाई अब ना मेरे दो काम है, एक क्रिकेट से रिलेटेड है, एक ब्यूटी से रिलेटेड है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे भी मुझे बहुत शौक था तो मैंने उसका भी बिजनेस शुरू किया, तो भाई जो काम करो उससे प्यार जरूर करना, वरना यू नो थोड़ी देर बाद फिर काम बोरिंग हो जाता है, बट अगर आपको अपने काम से प्यार है जो आप करते हैं तो फिर वो चीज से कभी कभी इंटरेस्ट है वो कभी नहीं हटता है। सो
कोई बात नहीं मनीष जी, आप आइए और हम आपको क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कराएंगे। 96 वाज द लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट फाइनल जी, बिल्कुल आई रिमेम्बर दैट। हार्दिक पांड्या को MS धोनी के जबरदस्त छक्के मार दिए थे जी, कल 3 छक्के पड़ गए उनको, 6, 6, 6 and 2, तो 20 रन से जो हारे थे मुंबई इंडियंस वो 20 रन एंड में 4 बॉलों में जो थाला जी है उन्होंने मार दिए थे। कोई नहीं रो रहा इंडिया की ICC ट्रॉफी में, सब पैसा कमाओ, चलिए कोई नहीं। आई हैव सीन द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, यस जय श्री राम जी, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, बहुत अच्छी बात है, एंड हमने पूरा इंजॉय भी किया था जब धोनी ने वो 6 मारा था और हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। इंडिया भी RCB बन रहा है इन नॉकआउट से, ये बात तो आपकी सही है, बात तो सही है। सो एनीवे I have seen 2015 World Cup, Stark bowling to McCullum, क्या moment था वो जी, बिल्कुल 2050 World Cup for the best undefeated Australia under MSD, you are right, जी बिल्कुल। सांगनिक ही इज वेरी यंग, आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इट टू हिम, बट ही इज वेरी यंग एंड गलेबल, तो मैं कुछ कुछ मैसेजेस इसके स्किप भी कर देती हूँ क्योंकि जिसमें वो लिखा होता है, सो डजंट मैटर। मनीष हमारे बहुत ही स्वीट है, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं, बस वो बेटा बेटा जब करते हैं विराट कोहली को, गलत गलत बोलते हैं, तब थोड़ी सी मैं उनको डांट देती हूँ, वरना वो बड़े स्वीट है। मैं तो यहाँ मनाना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, पूरी जानकारी लगा दूंगा, अगर आप कोई काम करो पूरी मेहनत करो जी, बिल्कुल फुल मैं भी मेहनत करूंगी आपको क्रिकेटर। एक मेरा 5 साल का नेफ्यू है, मेरे भाई का बेटा है, तो उसको भी मैं आजकल पूरी क्रिकेटिंग ट्रेनिंग दे रही हूँ, उसको कल मैं बैटिंग स्टांस और डिफेंड करना सिखा रही थी, कल परसों की बात है, तो भाई उसको भी मैं क्रिकेट अकेडमी में डाल दूंगी और साथ में मैं आपको भी डाल दूंगी, दोनों दोनों जाके क्रिकेट अकेडमी में काम कर क्रिकेट सीख लो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का फाइनल नहीं हारेगी, चलिए कोई बात नहीं आयुष, देखेंगे व्हेन वी कम फेस टू फेस विद देम इन द फाइनल्स। तो चलिए गाइज, काफी लेट हो गया, 12 बज गए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आज थोड़ी सी मुझे जल्दी है तो तभी मैंने फटाफट मैसेजेस सबके ले लिए, एंड आई होप यू एंजॉयड द मैच टुडे, एंड कल हम मिलेंगे। कल की प्रेडिक्शन जो मेरी है वो रिकॉर्डेड वीडियो में आएगी, आफ्टर मैं कंप्लीट स्टडी जब मैं कर लूंगी तब रिकॉर्डेड वीडियो में वो आएगी। सो चलिए अभी मैं लास्ट 2 मैसेजेस ले लेती हूँ। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में रोको तंत्र मंत्र लगाओ, जी जी बिल्कुल आयुष जी, सब तंत्र लगाएंगे, डोंट वरी। एक प्लेयर में 6 छक्के मारे थे जी, बिल्कुल आमिर जी, दीपेंदर शायद उनका नाम है, हमने 3-4 दिन पहले उनकी बात की थी, 6 sixes मार दिए। इनफैक्ट मैंने एक इमेज भी बनाई थी, वो मैं आज अपलोड करना भूल गई, कल मैं वो इमेज बैकग्राउंड में जरूर लगाऊंगी। थैंक यू सो मच, सिराज होता तो 300 जी बिल्कुल। सर क्या करते हैं, अगर मैं गुड़गांव में आता हूँ क्रिकेट बनने, सर के पास जा सकता हूँ जी? इसका सर जो है वो फिटनेस की फील्ड में है, तो वो फिटनेस की कोचिंग ट्रेनिंग और ये सब करते हैं, तो आपको उनकी बॉडी से ही पता चल जाएगा, तो आप भाई आ जाइए और आप इंस्टाग्राम में मुझसे बात करिए, ये सारी पर्सनल बातें हम इंस्टाग्राम में कर लेंगे, ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ मनीष आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आकाश चोपड़ा मत बनना जी जी, आकाश चोपड़ा नहीं बनना, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में रोको, वही रोहित शर्मा देख लेगा जी जी बिल्कुल। रूपम जी आ गए, रूपम जी मैं तो बस जा ही रही थी, आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, 100% जो है आप कल मुझे बता दीजिए कल कौन जीतेगा, वही टीम के साथ फिर मैं जाऊंगी। ट्रैविस हेड ने मुझे कहा है कि इंडिया के खिलाफ फ्लॉप होगा वो, ओके ये तो बहुत जरूरी बात है क्योंकि ट्रैविस हेड हमें बहुत पीटता है। इंडिया को कहो फाइनल में, ये नहीं बायलैटरल सीरीज डिसाइडर है, ऑल राइट, हाँ ये बात अच्छी है, हाँ माइंड ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, ये जरूरी है। चलिए गाइज, आई टेक योर लीव नाउ, आज थोड़ा मुझे जल्दी जाना है, तो आप सब अपना ध्यान रखिए। रूपम जी आप थोड़ा सा लेट हो गए, हमने आपको मिस किया, बट हम कल मिलेंगे, थोड़ा सा आप जल्दी आना, फिर कल हम बातचीत करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लाइक द वीडियो, एंड कल हम रिकॉर्डेड वीडियो में मिलेंगे, एंड उसके बाद जो है हम लाइव सेशन में शाम को मिलेंगे। आप ये मजेदार स्टोरी से लाइव एंड करना, कौन सी मजेदार स्टोरी से? अरे सागनिक अभी तो यार आई हैव नॉट हैड फूड सिंस द मॉर्निंग, मैंने 2 glasses सिर्फ कॉफी पी है, तो बहुत ही ज्यादा मैं आज टेंशन का माहौल था मेरे काम में, तो आज अब हो गया तो मैं अभी जाके खाऊंगी, अभी तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है। गुड नाइट, कल मिलेंगे जी बिल्कुल। तो भाई वर्सेटाइल क्रिएटर इंडियन, ऑल राइट, तो भाई
आप मुझे फ्लाइंग किसेस तो दे रहे हैं, तो भाई आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो मैं जा रही हूँ, तो कल जो है आप मुझे 9:30 ज्वाइन करना, फिर हम जो है बातचीत करेंगे, ठीक है। सो ट्रैविस हेड ने मुझे कहा है इंडिया को बहुत दुख दिया है 2023 में, बिल्कुल अब दुख नहीं देंगे। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड ऑन दैट नोट आई विल क्लोज द वीडियो नाउ एंड आई सी यू टुमारो इन द रिकॉर्डेड वीडियो एंड देन इन द लाइव सेशन इन द इवनिंग। अच्छा सांगनिक, लास्ट मैसेज, कल एक चैनल पे आया था एक सुपर चैट कि आप विराट कोहली को जीतते रहे तो ये मैसेज पहुंचा देना, बोला है पोस्ट मेरे पास विराट का कोई होता तो इधर बैठा। अच्छा अच्छा, तो मतलब ओके ओके, हाँ ये बात की सही है, विराट कोहली का कॉन्टैक्ट होता तो उधर थोड़ी बैठा होता, ये बात बिल्कुल ठीक है। 15 साल का हूँ लेकिन मेरी हाइट सर से भी ज्यादा होगी, जी बिल्कुल होगी। तो मनीष आप बस फिटनेस पे ध्यान दीजिए, वो इम्पोर्टेंट है अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो। ओके सागनिक, गुड नाइट, गुड नाइट मनीष, गुड नाइट सागनिक, आयुष एंड एवरीबडी हु सिटिंग ऑनलाइन, मेरी तरफ से गुड नाइट रूपम जी, एंड कल हम मिलेंगे लाइव सेशन में। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे टुमारो।